क्रोमोसोमल म्यूटेशन का एक पार्ट खत्म किया था। एक पार्ट का मतलब, जैसे हमने बताया था कि क्रोमोसोमल म्यूटेशन दो टाइप से कैसे डिवाइड कर सकते हैं, एक तो स्ट्रक्चरल चेंज और दूसरा न्यूमेरिकल चेंज। अगर क्रोमोसोम के कुछ किसी स्ट्रक्चर में डिलीशन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन या इन्वर्जन, मीन्स कोई सेगमेंट ब्रेक हो जाए, कोई सेगमेंट जुड़ जाए, या फिर जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाए जीन का, तो इस तरीके के स्ट्रक्चरल चेंज को क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट कहते हैं। तो कल हमने रीअरेंजमेंट पढ़ा था और कैसे होता है और क्या क्या फिनोमिना है, ट्रांसलोकेशन में किस तरीके से रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन होता है और रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन होता है, इन्वर्जन में कैसे पैरासेंट्रिक और पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन होता है, डिलीशन में कैसे टेंडम और रिवर्स, उसी तरीके से डुप्लीकेशन में कैसे टेंडम और रिवर्स, ये सारी चीजें कल हम लोगों ने क्लियर की थी। आज हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, यानी कि न्यूमेरिकल चेंज। इफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम एडेड और डिलीटेड, तो फिर क्या संभावनाएं हो सकती है और क्या फीनोटाइप में चेंज हो सकता है, और ये एडिशन और डुप्लीकेशन किस फिनोमेना से होता है, इसको पढ़ेंगे। तो हमने कल ही बताया था आपको कि, या जब भी लास्ट लेक्चर हुआ था तब आपको बताया था कि ये दो कंडीशन हो सकती है, एक तो एन्यूप्लॉयड और दूसरा पॉलीप्लॉयड। एन्यूप्लॉयड की, जब कोई पर्टिकुलर पेयर ऑफ द क्रोमोसोम में एक जुड़ जाए क्रोमोसोम, या होमोलोगस पेयर में एक क्रोमोसोम जुड़ जाए, या फिर होमोलोगस पेयर में एक क्रोमोसोम हट जाए, तो इस तरीके के चेंजेस को कहते हैं एन्यूप्लॉयडी कंडीशन। और अगर सेट ऑफ द क्रोमोसोम, मान लीजिए 2n है, तो उसमें एक n जुड़ जाए, यानी कि एक पूरा पूरा सेट जुड़ जाए, तो उस तरीके की कंडीशन को कहते हैं पॉलीप्लॉयड या यूप्लॉयडी कंडीशन। प्लॉयडी का मतलब कि क्रोमोसोम के नंबर की बात हो रही है। ओके, तो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसको, देखिए क्या क्या होता है। चेंजेस इन क्रोमोसोम नंबर, तो क्रोमोसोम नंबर बेसिकली दो टाइप अभी मैंने बताया, एक एन्यूप्लॉयडी और यूप्लॉयडी। अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंडिविजुअल क्रोमोसोम में जुड़ रहे हैं तो उस कंडीशन को कहेंगे एन्यूप्लॉयडी, और अगर क्रोमोसोम सेट जुड़ रहा है किसी सेट में तो उसको कहेंगे यूप्लॉयडी। नाउ एन्यूप्लॉयडी, इसको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि एन्यूप्लॉयडी कंडीशन होती कैसे है, ये कंडीशन डेवलप कैसे होती है। ओके, तो डेवलप होने की तीन वजह हो सकती है, या तो सेंट्रोमियर लॉस हो जाए, या फिर ट्रांसलोकेशन हो, या फिर नॉन डिस्ट्रक्शन हो। ये तीन प्रोसेस है जिसके कारण एन्यूप्लॉयडी कंडीशन डेवलप होती है। अच्छा, जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था पैरासेंट्रिक इन्वर्जन, तो पैरासेंट्रिक इन्वर्जन में हमने ये पढ़ा था कि जब प्रोफेज फर्स्ट में क्रॉसिंग ओवर होता है, ओके, तो क्रॉसिंग ओवर होने के बाद जब एनाफेज में वो डिवाइड हो जाते हैं, तो डिवाइड होते हैं तो क्या होता है कि एक डायसेंट्रिक ब्रिज बनता है और एक जो है एसेंट्रिक क्रोमोसोम बनता है। तो जो एसेंट्रिक क्रोमोसोम है वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा या लॉस हो जाएगा, क्योंकि वो किसी भी पोल पे जा नहीं सकता, क्योंकि जो स्पिंडल फाइबर है वो क्या होते हैं, वो काइनेटोकोर प्रोटीन जो होती है उससे जुड़ते हैं, और वो काइनेटोकोर प्रोटीन कहाँ होती है, वो होती है सेंट्रोमियर के पास। तो सेंट्रोमियर जिसके पास है वही क्रोमोसोम रेस्पेक्टिव पोल पे जाएगा, जिसके पास नहीं है वो सर नहीं जाता है। यानी कि होमोलोगस पेयरिंग के बाद जब वो क्रोमोसोम डिवाइड होते हैं एनाफेज में, तो जब सेंट्रोमियर होगा तो ही वो अपने रेस्पेक्टिव पोल की तरफ मूव करेंगे, अगर नहीं है तो फिर वो उनका क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, क्योंकि उनमें अटैचमेंट होता नहीं है। तो इस कारण जो क्रोमोसोम है वो लॉस हो सकते हैं। तो एक तो रीजन ये हो सकता है कि क्योंकि सेंट्रोमियर नहीं प्रेजेंट है तो लॉस हो जाए, सेंट्रोमियर क्यों नहीं प्रेजेंट है, वो कंडीशन कैसे डेवलप होती है, इन्वर्जन के कारण डेवलप हो सकती है या फिर डिलीशन के कारण डेवलप हो सकती है। ओके, सेकेंड कंडीशन है रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन। तो रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन में हमने बताया था लास्ट टाइम,
जो दो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम होते हैं, जब उनमें पेयरिंग होती है और पेयरिंग के बाद जो सेंट्रोमियर है वहां पर क्रॉसिंग ओवर होता है, तो उससे क्या होता है, एक मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम बनता है और दूसरा जो क्रोमोसोम होता है वो स्मॉल क्रोमोसोम बनता है। जो स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम होता है वो लॉस्ट हो जाता है, क्योंकि तो उसमें जनरली बहुत सारे जीन नहीं रहते, मिनिमम नंबर ऑफ जीन रहते तो वो लॉस्ट हो जाते। तो इस तरीके से एक क्रोमोसोम एक रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन से भी लॉस्ट हो जाते हैं। तो दूसरी कंडीशन ये होगी रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन। थर्ड जो कंडीशन है जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस नहीं की वो है नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन जनरली तीनों स्टेजेस में होता है, मियोसिस में भी हो, मियोसिस फर्स्ट में भी हो सकता है, मियोसिस सेकंड में भी हो सकता है, और मियोसिस और माइटोसिस में भी हो सकता है। इट इज ड्यू टू द फेलियर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस। मियोसिस में होमोलोगस पेयरिंग होती है और पेयरिंग के बाद जो क्रोमोसोम होते हैं वो अपने रेस्पेक्टिव पोल से मूव करने चाहिए, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर डीपॉलीमराइज या पॉलीमराइज प्रॉपरली नहीं करते, जिससे के कारण जो होमोलोगस पेयर है वो सेम डायरेक्शन में मूव कर जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि नॉन डिस्ट्रक्शन मतलब कि जो ज्वाइनिंग है वो एक ही तरफ हो जा रही है, वो प्रॉपरली सेपरेट नहीं हो रहा है। एक तो ये कंडीशन हो सकती है जो कि मियोसिस में होती है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जो क्रोमोसोम है उनके क्रोमेटिड्स ना डिवाइड हो। ओके, क्योंकि जो मेटाफेज स्टेज में मतलब माइटोसिस में मेटाफेज स्टेज में क्रोमेटिड्स डिवाइड होते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि क्रोमेटिड्स ना डिवाइड हो और सभी क्रोमेटिड्स एक ही पोल पे चले जाए, तो भी नॉन डिस्जंक्शन प्रोड्यूस हो सकता है। तो ये कंडीशन जो एन्यूप्लाइडी कंडीशन है वो क्रिएट हो सकते हैं इन तीन मैकेनिज्म से, लॉस ऑफ सेंट्रोमियर बिकॉज ऑफ पैरासेंट्रिक इन्वर्जन, रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन और नॉन डिस्जंक्शन। नॉन डिस्जंक्शन को हम यहाँ पर ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि बाकी चीजें तो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं नॉन डिसजंक्शन की। तो नॉन डिसजंक्शन अकर स्पॉन्टेनियसली लाइक मोस्ट जीन म्यूटेशन। इट इज एन एग्जांपल ऑफ चांस फेलियर ऑफ बेसिक सेलुलर प्रोसेस। द प्रिसाइज मॉलिक्यूलर प्रोसेस दैट फेल आर नॉट नोन, बट इन एक्सपेरिमेंटल सिस्टम द फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉन डिसजंक्शन कैन बी इंक्रीज बाय इंटरफेरेंस विद माइक्रोटूब्यूल पॉलीमराइजेशन एक्शन, देयर बाय इनहिबिटिंग नॉर्मल क्रोमोसोम। तो वही चीज मैंने जो अभी पहले डिस्कस की कि माइक्रोट्यूब्यूल पॉलीमराइजेशन अगर प्रॉपरली नहीं होता है तो उसके कारण नॉन डिसजंक्शन भी क्रिएट होता है। दूसरा, नॉन डिसजंक्शन इज मोर लाइकली टू बी अवे मियोसिस फर्स्ट, दिस मे नॉट बी सरप्राइजिंग बिकॉज नॉर्मल एनाफेज फर्स्ट इज ज्वाइंट रिक्वायर दैट द होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ टेट्रॉड रिमेन पेयर्ड ड्यूरिंग प्रोफेज फर्स्ट एंड मेटाफेज फर्स्ट एंड ऑल्सो रिक्वायर क्रॉस ओवर। इन कंट्रास्ट प्रॉपर डिसजंक्शन एट एनाफेज टू और एट माइटोसिस रिक्वायर दैट द सेंट्रोमियर स्प्लिट प्रॉपरली बट डज नॉट रिक्वायर क्रोमोसोम पेयर और क्रॉसिंग ओवर। देखिए, नॉन डिसजंक्शन दोनों कंडीशन में होगा, मियोसिस में भी होगा और माइटोसिस में भी होगा, मियोसिस फर्स्ट में भी होगा और माइटोसिस फर्स्ट माइटोसिस सॉरी मियोसिस सेकंड में भी होगा। देखिए, अगर आपने सेल डिवीजन सही से पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि जो मियोसिस सेकंड है इट इज ऑल्सो नोन एज माइटोसिस, क्योंकि सेम प्रोसेस होती है जैसे माइटोसिस में होती है, वही प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टीलोफेज, यही चारों कंडीशंस वहां पर भी होती है। प्रोफेज में सेम चीजें की क्रोमोसोमल कंडेंसेशन होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियरेंस डिसअपियर होगी, जो न्यूक्लियोलस है वो डिसअपियर होगा क्रोमोसोम। उसके बाद नेक्स्ट जो मेटाफेज है उसमें क्रोमोसोम वो मेटामेरिक प्लेट या मिडिल में आ जाएंगे, उसके बाद स्पिंडल फाइबर उनसे सेंट्रोमियर से अटैच हो जाएंगे,
एनाफेज में ये जो स्पिंडल फाइबर है ये डीपॉलीमराइज करेंगे, जिसके कारण मूवमेंट होगा उनका पर्टिकुलर पोल पे, तो वो अपने रेस्पेक्टिव पोल की तरफ मूव कर जाएंगे। फिर टीलोफेज में जस्ट रिवर्स ऑफ प्रोफेज, मतलब कि अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयरेंस वापस से रीअपीयर होगा, फिर न्यूक्लियोलस वापस से रीअपीयर होगा, और जो और बाकी सारी चीजें जो जैसे प्रोफेज में होती थी उसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। तो ये सारी कंडीशन जो माइटोसिस में होती है सेम मियोसिस सेकेंड में होती है, बट मियोसिस फर्स्ट इज डिफरेंट, वो इससे डिफरेंट है। मियोसिस फर्स्ट में क्योंकि प्रोफेज फर्स्ट होती है, उसमें 5 स्टेजेस होती है, उसके बाद मेटाफेज फर्स्ट, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज। तो प्रोफेज जो है इट इज डिफरेंट, क्योंकि उसमें लैक्टोटीन यानी हो जो क्रोमोसोम है वो कंडेंस होंगे, जाइगोटी साइनेप्सिस होगी, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो पेयर्ड हो जाएंगे, फिर पैकीटीन जिसमें कि क्रॉसिंग ओवर होगा, फिर डिप्लोटीन जिसमें सी आर मेटा फॉर्मेशन होगा, एंड डाइटेनेसिस जिसमें कि लीकर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगी और न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगा, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीजें प्रोफेज फर्स्ट में होती है, इसलिए चीजें, क्योंकि माइटोसिस के प्रोफेज में नहीं होती, वहां पर पेयरिंग नहीं होती है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि नॉन डिसजंक्शन यानी जो डिसजंक्शन होना चाहिए, जो ब्रेकेज होना चाहिए, वो एनाफेज में सॉरी एनाफेज फर्स्ट में भी होता है, एनाफेज सेकेंड में भी होता है, और माइटोसिस सेकेंड में भी होता है। बस कंडीशन डिफरेंट डिफरेंट होती है, जिसके कारण हो सकता है कि उसमें ज्यादा चांस हो और एक में ज्यादा चांस हो और एक में कम चांस हो, लेकिन होगा वो दोनों कंडीशन में। ओके, द नॉन डिजेक्शन इवेंट कैन अकर इन आइदर पेरेंट्स बट इट सीम टू बी मोर लाइकली इन फीमेल। मतलब ये है कि किसी पेरेंट से भी नॉन डिजेक्शन हो सकता है, मतलब पेरेंट्स में मेल गैमेट मान लीजिए कि मेल में नॉन डिसेक्शन हो रहा है, तो मेल गैमेट फॉर्मेशन के टाइम में हो सकता है, या फिर फीमेल में हो रहा हो तो फीमेल गैमेट फॉर्मेशन के टाइम हो सकता है, लेकिन जनरली फीमेल में इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। दूसरा, इन एडिशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉन डिसेक्शन इंक्रीजेस विद मैटरनल एज। जैसे जैसे मैटरनल एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे नॉन डिसजंक्शन की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है, मतलब ये हाइपोथेसिस है कि जो फीमेल है उसमें फीटस के ही ड्यूरेशन में क्या होता है, फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, किसका, जर्म सेल्स का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है ड्यूरिंग जब वो फीटस फॉर्मेशन होता है। तो और उसके बाद वो प्रोफेज फर्स्ट में वहीं पर रुक जाता है। अगर आपने ऊजेनेसिस प्रॉपरली पढ़ा होगा, या नहीं पढ़ा है तो उसको प्रॉपरली पढ़ लीजिएगा एक बार, कि जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो फीमेल में जो जर्म सेल फॉर्मेशन होता है वो फीटस के ड्यूरेशन में ही, इम्ब्रियोजेनेसिस के ड्यूरेशन में ही वो शुरू हो जाता है। तो प्रोफेज फर्स्ट में वो वहीं पर ब्लॉक हो जाता है, और उसके बाद जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो वापस से, या जब फीमेल जेनाइटल स्ट्रक्चर पूरी तरीके से डेवलप हो जाते हैं तो वापस से प्रोफेज फर्स्ट से वो फिर पहुंच जाते हैं कहाँ तक, मेटाफेज तक पहुंच जाती है, और मेटाफेज सेकेंड तक सॉरी, और उसके बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो फिर कंप्लीट हो जाता है, लेकिन उससे पहले वो प्यूबर्टी तक या एक पर्टिकुलर एज तक जो है वो प्रोफेज फर्स्ट में ही रहती है। तो जिसके कारण क्या होता है, जो होमोलोगस पेयरिंग है वो पेयरिंग सेपरेट हो जाती है, मतलब उसमें वो प्रॉपर पेयरिंग नहीं रह जाती, क्योंकि जितना टाइम उसको लगेगा ओव्यूलेशन में, या जितना टाइम वो देगा उसको ओव्यूलेट करने में, अब जैसे जो फीमेल जनरली एक पर्टिकुलर एज में ओव्यूलेट कर रही है तो उसका ओवम नॉर्मल होगा, लेकिन जितना आप उसको टाइम देते जाओगे, जितना एज बढ़ती जाएगी और ओव्यूलेशन होता जाएगा, उतना जितना टाइम उसमें लगेगा, उसके कारण क्या होता है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन या होमोलोगस पेयरिंग उसमें दिक्कत आने लगती है। तो जितना एज बढ़ती जाएगी उतना दिक्कतें बढ़ती जाती है, क्योंकि
क्या होता है, वो पॉज बहुत ज्यादा दिन का हो जाता है। प्रोफेज फर्स्ट का जो पॉज है वो काफी टाइम तक, जितना टाइम लगेगा उतना पॉज के कारण क्या होता है, वापस से रिकवर होने में उसको दिक्कत होती है। कोई भी चीज है, आप जनरल कॉन्सेप्ट समझो कि अगर आप काफी टाइम तक कोई चीज ना करो तो आपकी उसमें क्या होती है, लर्निंग पावर खत्म हो जाती है, ठीक है। फिर आपको एक बार उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो सेम कंडीशन ये है कि आप जितना दिन तक किसी चीज को स्टॉप करोगे वो उतना उसमें दिक्कतें होती जाएगी। आप लिफ्ट आप अपने टीवी ना चलाओ काफी दिन तक तो भी उसमें दिक्कतें होने शुरू हो जाएगी। तो सेम प्रोसेस है कि जितना टाइम लगेगा उतना ज्यादा दिक्कत शुरू हो जाएगी। अब डॉन डिजेक्शन होता कैसे, देखिए तो अब मुझे यहां पर एक दिक्कत और आ रही है कि अब मैं इसमें हाईलाइट कैसे करूं। यहाँ पर टॉप में तो कुछ नहीं, स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। तो देखिए मैं एरो से ही आपको दिखाता हूँ कि किसके हवा चल रही भाई। देखिए नॉन डिजेक्शन एट फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन का मतलब मियोसिस फर्स्ट। हमने जब न्यूरोस पूरा पढ़ा था तो ये समझा था कि फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन क्या होता है और सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन क्या होता है। फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन यानी कि जो एनाफेज फर्स्ट में जो सेग्रीगेशन होता है उसको कहते हैं, और एनाफेज टू में जो सेग्रीगेशन होता है उसको सेकेंड डिवीजन सेग्रीगेशन कहते हैं। तो फर्स्ट डिवीजन में आप देखेंगे इसकी क्रोमोसोम पेयरिंग होगी, यानी मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम पेयरिंग होती है। तो पेयरिंग प्रोफेज फर्स्ट में हुई, और पेयरिंग के बाद मेटाफेज में ये पेयर्ड क्रोमोसोम जो है ये मेटामेरिस प्लेट पे आए होंगे, यानी मिडिल पे आए होंगे। और मिडिल पे आने के बाद इन दोनों जो क्रोमोसोम है इनको अपने रेस्पेक्टिव पोल से मूव करना चाहिए, यानी कि ये जो ब्राउन वाला है इसको नीचे मूव करना चाहिए, और ये जो लाइट ऑरेंज या येलो कलर का है इसको ऊपर मूव करना चाहिए, ठीक है। तो एक को अप अप और एक को बिलो, दो डायरेक्शन में मूव करना चाहिए था नॉर्मल कंडीशन में। बट ड्यूरिंग नॉन डिसजंक्शन, अगर नॉन डिसजंक्शन हो रहा है तो क्या हो सकता है कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर जाए। तो अगर ये सेम डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे तो जब एनाफेज फर्स्ट के बाद टेलोफेज फर्स्ट हुई, उसके बाद जब साइटोकाइनेसिस हुई तो डॉटर जो सेल बनी उसमें एक सेल के पास तो दोनों पेयर हो जाएगा और एक सेल के पास कोई क्रोमोसोम नहीं रहेगा, विदाउट क्रोमोसोम। उसके बाद जब मियोसिस सेकेंड हुई तो एक के पास पेयर्ड क्रोमोसोम दोनों हुए, और एक के दो सेल के पास पेयर्ड क्रोमोसोम हुए और दो सेल के पास विदाउट क्रोमोसोम। तो ये जो पेयर है इसके पास जनरली सबके पास वन 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 क्रोमोसोम होना चाहिए, तो जिनके पास दो है तो वो एन प्लस वन हो गए, ठीक है। तो दो के पास एन प्लस वन रह गए और जिनके पास कुछ नहीं है वो एन माइनस वन हो गए, क्योंकि इनके पास वन होने चाहिए थे। ओके, तो एक कंडीशन ये फर्स्ट डिवीजन के कारण हो सकती है, मतलब मियोसिस फर्स्ट। हेलो बताइए। हाँ सर, सिंपल आवाज नहीं आ रही मुझे। तो चैट में लिखो, चैट में क्या टाइप कर दो तो।
ठीक है, एक बार फिर से समझा देते हैं। देखिए नॉन डिजंक्शन मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड में कैसे हो रहा है ये हम समझा रहे थे आपको। तो फर्स्ट डिवीजन मतलब कि मियोसिस फर्स्ट की बात हो रही है, तो मियोसिस फर्स्ट में सबसे पहले ध्यान रखिए कि क्रोमोसोम पेयरिंग होगी प्रोफेज में, तो प्रोफेज में क्रोमोसोम पेयरिंग हुई, ठीक है। मेटाफेज में ये मिडिल पे आए, ओके। मिडिल पे आने के बाद अब स्पिंडल फाइबर जो ब्राउन वाले से नीचे वाले से ब्राउन वाला जुड़ गया और ऊपर वाले से येलो वाले जुड़ गए, ओके। उसके बाद एनाफेज में ये अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ मूव करने चाहिए, नॉर्मल कंडीशन में ब्राउन बिलो मूव करना चाहिए और येलो अब मूव करना चाहिए। बट ड्यूरिंग नॉन डिसजंक्शन क्योंकि वो प्रॉपरली डिसजॉइंट नहीं हो रहा है, तो फिर क्या होगा कि दोनों हो सकता है एक डायरेक्शन यानी अब चले जाए, हो सकता है कि वो बिलो चले जाए। तो इन दिस कंडीशन जो यहाँ फिगर दे रखा है उसमें दोनों अब चले गए, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम। तो फिर क्या हुआ, एक डॉटर सेल के पास दोनों पेयर मतलब पेयर ऑफ क्रोमोसोम रह गए और एक डॉटर सेल के पास विदाउट क्रोमोसोम रह गया। तो जब इनसे गैमेट फॉर्मेशन हुआ आफ्टर मियोसिस सेकेंड, तो फिर क्या हुआ, एक के पास मतलब दो के पास दो दो क्रोमोसोम हो गए, जबकि होने क्या चाहिए थे सिंगल सिंगल सभी के पास होने चाहिए। तो चार अगर सेल बनी है तो चारों के पास 1111 गैमेट यानी कि 1111 क्रोमोसोम होने चाहिए थे, बट दो के पास क्या है n प्लस 1 की कंडीशन और दो के पास क्या है n माइनस 1। तो जो n प्लस 1 की कंडीशन है वो कंडीशन जब आफ्टर किसी और गैमेट से फर्टिलाइज होंगे तो ये क्या हो जाएंगे ट्राइसोमी शो करेंगे, क्योंकि अब ये 2n प्लस 1 हो जाएंगे। और जो n माइनस 1 है जब वो n से फर्टिलाइज होंगे तो फिर क्या शो करेंगे मोनोसोमी कंडीशन शो करेंगे, यानी कि अब वो 2n माइनस 1 हो जाएंगे, ओके। तो इस तरीके से मोनोसोमी और ट्राइसोमी कंडीशन क्रिएट होती है नॉन डिजंक्शन एट मियोसिस सेकंड। अब मियोसिस सेकंड में कैसे होगी नॉन डिजंक्शन या माइटोसिस में कैसे नॉन डिजंक्शन हो सकता है, तो देखिए ये होमोलोगस पेयरिंग हुई, ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट में। उसके बाद ये मेटाफेज में मिडिल पे आए होंगे, फिर एनाफेज में रेस्पेक्टिव पोल पे गए और उसके बाद फिर दोनों साइटोकाइनेसिस से डिवाइड हो गया, ओके। दो सेल बनी, दोनों के पास सिंगल सिंगल क्रोमोसोम बचे। अब ये फिर प्रोफेज फिर मेटाफेज, तो मेटाफेज में मिडिल में आए होंगे, ठीक है। और मेटाफेज में मिडिल में आने के बाद ये जो सेंट्रोमियर है, अब ये सेंट्रोमियर क्या होगा डिवाइड होगा, सेंट्रोमियर डिवाइड होगा तो क्या होगा ये क्रोमेटिड डिवाइड होंगे। तो येलो वाला जो क्रोमेटिड है इसमें एक येलो नीचे आना चाहिए और एक क्रोमेटिड ऊपर जाना चाहिए। बट इन दिस कंडीशन इस फिगर में देखिए तो आपको दिखेगा कि ये दोनों क्रोमेटिड एक ही सिंगल तरफ चले जा रहे हैं, यानी कि ये क्रोमेटिड डिवाइड नहीं हो रहे हैं, ओके। यानी कि स्पिंडल फाइबर प्रॉपरली पॉलीमराइज या डीपॉलीमराइज नहीं हुआ होगा। सेम नीचे देखेंगे तो नीचे प्रॉपरली डिवीजन हुआ है, यानी कि नीचे की कंडीशन में क्या हुआ है कि एक क्रोमेटिड अबव डायरेक्शन में चला गया और एक क्रोमेटिड बिलो डायरेक्शन में चला गया, जिसके कारण जब दो सेल और बनी तो फिर ये सब दोनों के पास सिंगल सिंगल क्रोमेटिड बचे। लेकिन यहाँ ऊपर की कंडीशन में एक के पास पेयर ऑफ क्रोमेटिड्स है और एक के पास विदाउट क्रोमेटिड्स है, तो जिसके पास पेयर है वो n प्लस 1 हो गया, जनरली सारे n होने चाहिए थे लेकिन अब ये n प्लस 1 हो गया, n माइनस 1, ये n n n। तो ये जो n वाले हैं जब ये फर्टिलाइज होंगे तब तो ये 2n बना देंगे, ओके। लेकिन जो n प्लस 1 है ये 2n प्लस 1 बना लेगा, यानी कि ये ट्राइसोमी कंडीशन शो करेगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन। n माइनस 1 ये मोनोसोमी कंडीशन शो करेगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो इस तरीके से मोनोसोमी और ट्राइसोमी कंडीशन जनरली शो हो जाती है मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के नॉन डिसजंक्शन से। तीसरा टाइप क्या है, वही सेम टाइप है जो मियोसिस सेकंड वाला है, माइटोसिस में क्या होगा। तो माइटोसिस में ये दोनों पेयर्ड क्रोमोसोम है, अब इनको डिवाइड होना चाहिए प्रॉपरली, तो प्रॉपरली ना डिवाइड होके हो सकता है कि इसका क्रोमेटिड यहाँ से इधर मूव कर गया, ठीक है। तो
अब इसके पास तीन क्रोमेटिड्स हो गए यानी कि, और इसके पास सिंगल क्रोमेटिड्स हो गया, फिर जब ये डिवाइड होंगे तो फिर ये थ्री 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 के पेयर में आ जाएंगे और ये वन 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 के पेयर में आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये टू एन माइनस वन हो गया और ये टू एन प्लस वन कंडीशन आ गई। तो सेम कंडीशन है जैसे मियोसिस फर्स्ट में होमोलोगस पेयर डिवाइड होता है और मियोसिस सेकंड में क्रोमेटिड डिवाइड होते हैं। अब हम थोड़ा डिटेल में आगे बढ़ते हैं। ये तो कंडीशन हो गई नॉन डिजंक्शन प्रोड्यूस कैसे होता है। अब नॉन डिजंक्शन के कारण क्या क्या कंडीशन प्रोड्यूस हो रही है। नॉन डिजंक्शन के कारण एक कंडीशन हो सकती है नलिसोमी यानी 2n-2 यानी कि पूरा पूरा होमोलोगस पेयर ही जो है वो सॉरी गायब हो जाए, डिसअपीयर हो जाए, पूरा पूरा होमोलोगस पेयर डिसअपीयर हो जाए। या फिर कंडीशन हो सकती है कि 2n-1 यानी कि होमोलोगस पेयर में से एक क्रोमोसोम वो डिसअपीयर हो जाए ड्यूरिंग नॉन डिजंक्शन, तो उस कंडीशन को मोनोसोमी कहेंगे। अगर होमोलोगस पेयर में एक क्रोमोसोम जुड़ जाए तो उसको कहेंगे ट्राइसोमी, जिसको 2n+1 कहेंगे। टेट्रासोमी जब होमोलोगस पेयर से पेयर क्रोमोसोम जुड़ जाए यानी दोनों दो क्रोमोसोम और जुड़ जाए तो उसको कहेंगे टेट्रासोमी। ओके, तो दिस इज आर टाइप्स ऑफ एन्यूप्लॉइडी, नलिसोमी, मोनोसोमी, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, इन विच नलिसोमी एंड मोनोसोमी इज ए डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम। दो क्रोमोसोम पेयर में से डिलीट हो जाए तो नलिसोमी, सिंगल क्रोमोसोम डिलीट हो जाए तो मोनोसोमी। अब ट्राइसोमी टेट्रासोमी इज ए एडिशन ऑफ क्रोमोसोम, अगर एक क्रोमोसोम ऐड हो जाए तो ट्राइसोमी और दो क्रोमोसोम ऐड हो जाए तो टेट्रासोमी। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पहले से ही पता है। अब आते हैं नलिसोमी की कंडीशन 2n-2, तो सेम है वही कि दो बोथ मेंबर अगर जो है डिलीट हो जाए तो इस कंडीशन में जो अगर 46 क्रोमोसोम है तो बचेंगे कितने, जब दो डिलीट हो जाएंगे तो 44 क्रोमोसोम बचेंगे। ओके, नाउ मोनोसोमी। तो मोनोसोमी ह्यूमन के केस में मोनोसोमी जो सर्वाइवल केस दिखा है, जनरली मोनोसोमी सर्वाइव नहीं करते। ओके, यानी डिलीटेरियस कंडीशन है, लेकिन जो सर्वाइवल कंडीशन दिखी है वो दिखी है टर्नर सिंड्रोम में। ओके, तो टर्नर सिंड्रोम सर्वाइव इसलिए कर रहा है क्योंकि उसका सेक्स क्रोमोसोम का एक एक्स या एक वाई कुछ भी कह सकते हैं वो डिसअपीयर होता है। जैसे होना क्या चाहिए 44+XY या 44+XX, इन केस ऑफ फीमेल 44+XX ये क्रोमोसोम होते हैं, इन केस ऑफ मेल 44+XY ये क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, बट इन केस ऑफ टर्नर सिंड्रोम 44+X ये कंडीशन प्रोड्यूस होती है। तो जब 44+X है तो जनरली फिनोटिपिकली वो फीमेल होगी, अगर वहां पर एक्स की जगह वाई होता तो फिनोटिपिकली वो मेल होता है, क्योंकि एक्स वाई की कंडीशन ही अगर वाई होगा इन एनी केस तो मेल ने सी शो करेंगे और अगर एक्स है तो वो फीमेल ने शो करेगा। तो क्योंकि यहाँ पर एक्स ही शो कर रहा है तो वो फीमेल होगी, लेकिन दोनों एक्स की इम्पोर्टेंस है तो जब दोनों एक्स नहीं है, सिर्फ सिंगल एक्स है तो कुछ ना कुछ फीमेल करेक्टरिस्टिक डेवलप नहीं हो पाते हैं, जैसे ओवरीज प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाती, फीमेल जनरली फर्टाइल ना होके वो स्टेराइल होती है क्योंकि उसके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होते हैं। तो इस कंडीशन को टर्नर सिंड्रोम कहते हैं क्योंकि इसमें मिसिंग वन कॉपी ऑफ क्रोमोसोम होता है। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है। बाकी फिनोटाइप से हम लोग को बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, आपको क्वेश्चन फिनोटाइप से नहीं पूछेगा कि उसका क्या कंडीशन हो सकती है, कि उसका शॉर्ट स्टेचर होता है, छोटे कद्दी होती है, वेब नेक होता है, इसकी कोई जरूरत नहीं। हमें बस ये पता होना चाहिए टर्नर सिंड्रोम किस कारण हो रहा है। टर्नर सिंड्रोम बिकॉज ऑफ मोनोसोमी, बिकॉज ऑफ डिलीशन ऑफ वन क्रोमोसोम। ओके, और कंडीशन इज 44+X यानी कि 45 क्रोमोसोम टोटल है, जनरली 46 क्रोमोसोम होते हैं।
ठीक है। अब जो इस टाइप के इंडिविजुअल होते हैं उनमें बार बॉडी फॉर्मेशन नहीं होता है। बार बॉडी फॉर्मेशन किन में होता है? बार बॉडी का मतलब क्या है कि अगर एक एक्स ज्यादा है, जैसे कि फीमेल में 2X होते हैं, ठीक है, 2X होते हैं, तो एक एक्स इनएक्टिवेशन कंडीशन में चला जाता है, ठीक है, जो सोमेटिक सेल में बार बॉडी की तरह शो होता है। तो अब हम को एक चीज और लॉजिकली सोचना चाहिए कि अगर एक एक्स इनएक्टिवेट हो रहा है, ओके, तो फिर जब इनएक्टिवेट ही होना है तो एक एक्स है तो फिर क्या दिक्कत है? फिर तो इसका भी फिनोटाइप नॉर्मल होना चाहिए, क्योंकि जनरली फीमेल में 44+X ही रह जाता है आखिरी में। पहले तो वो जो भी आता है उसके बाद वो इनएक्टिवेट ही होना है, तो इनएक्टिवेट अगर होना है तो पहले से ही है। अगर एक एक्स नहीं है तो फिर तो फिनोटाइप नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन नहीं, उस एक मतलब पेयर ऑफ एक्स की जरूरत है। भले ही वो इनएक्टिवेट होता है लेकिन वापस से वो रीएक्टिवेट भी होता है। इनएक्टिवेशन की कंडीशन होती है लेकिन जब उसकी जरूरत होती है तो वापस से रीएक्टिवेशन भी की भी कंडीशन होती है, ठीक है। जब आप इसको इनएक्टिवेशन और एक्टिवेशन कैसे होता है उसको पढ़ेंगे, तो उसको पढ़ेंगे कि कैसे रीएक्टिवेशन होता है और कैसे इनएक्टिवेशन होता है। खैर, मेरा बस यहाँ पर बताने का पर्पज ये है कि एक्स दोनों एक्स की इम्पोर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि जो दोनों एक्स हैं, अगर वो दोनों एक्स रहेंगे तभी फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर वो डेवलप होता है, यानी ओवरी फॉर्मेशन तभी डेवलप होता है जब दोनों एक्स रहेंगे। और अगर एक एक्स डिसअपियर हो जाता है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाते, इसलिए इनएक्टिवेशन बहुत लेट में होता है, जब ये प्रॉपर डेवलपमेंट हो चुका होता है। अगर पहले से एक्स नहीं है तो फिर दिक्कत है, फिर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाएंगे, इसलिए दोनों एक्स की जरूरत है। ओके, क्लियर है? बीच में से रिप्लाई देते रहिए, मुझे ऐसा ना लगे कि मैं जो है बिल्कुल ही मूक बधिर पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो हाउ टू क्रिएट टर्नर सिंड्रोम, कैसे टर्नर सिंड्रोम या ऑरिजिन मोनोसोमी की हो सकती है? तो दो कंडीशन है, एक तो कंडीशन मैंने बताई कि वही नॉन डिसजंक्शन से एक एग सेल, यानी जनरली फीमेल में बताया कि फीमेल में नॉन डिसजंक्शन जनरली होता है, तो मान लीजिए कि एग सेल के पास क्रोमोसोम ना मिले, वो जो पर्टिकुलर एक्स क्रोमोसोम है वो ना हो, तो जब फर्टिलाइजेशन होगा तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन 44+X ही रह जाएंगे, क्योंकि तो मेल से एक्स मिलेगा, ठीक है। और अगर दूसरा वाला डेवलप हुआ तो उसके पास फिर वाई हो जाए या वाई भी ना मिले, तो दोनों कंडीशन होती है, या तो एग या फिर स्पर्म, कोई भी किसी के पास जो है वो सेक्स क्रोमोसोम ना हो, तो उस कंडीशन में टर्नर सिंड्रोम डेवलप हो सकता है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि सोमैटिक मोजाइक बन सके। सोमैटिक मोजाइक जनरल कंडीशन है, जनरल कंडीशन ये है कि अब मेरे पास पेन नहीं है, इसमें थोड़ी देर ये दिक्कत होना आपको समझाता हूँ। जो सोमैटिक मोजाइक है उसमें क्या होता है, जो सोमैटिक कौन है भाई, हेलो क्या कर रहे हो? हेलो, हेलो, हाँ सर प्लीज इस स्लाइड पे एक बार रिपीट कर दीजिए, कट गई थी क्लास पता नहीं कैसे। बैक वन नहीं, इसको, जो अभी बता रहे थे, अभी जो स्टार्ट किए हैं, ओरिजिन कैसे होती है। हाँ ठीक है। तो मैं बता रहा था कि ओरिजिन एक तो नॉन डिसजंक्शन के कारण प्रोड्यूस हुए जो गैमेट है उसमें अगर सेक्स क्रोमोसोम ना हो, ओके, सेक्स क्रोमोसोम ना हो तो चाहे वो एग हो चाहे वो स्पर्म हो, किसी भी उसमें अगर सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं है, मान लीजिए कि अगर मेल से आ रहा उसमें वाई क्रोमोसोम नहीं है या फिर फीमेल से आ रहा उसमें एक्स क्रोमोसोम नहीं है, ठीक है, तो
वो जब फर्टिलाइजेशन होगा किसी नॉर्मल से तो फिर उस कंडीशन में 44+X बनेंगे। ओके, तो एक तो ये इस कंडीशन से प्रोड्यूस हो सकता है, अभी ये इसका डायग्राम होगा, अभी दिखाई उसको। दूसरा कंडीशन ये है कि सोमैटिक मोजाइक बन सकते हैं। सोमैटिक मोजाइक का मतलब जो सेल है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो दो टाइप की सेल डेवलप हो, एक सेल जिसमें 45X क्रोमोसोम और एक सेल जिसमें, सॉरी, 45X का मतलब कि 44 और एक्स ये मिला के 45 बने। और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि 46 हो और उसमें XXY कंप्लीट हो, ठीक है, यानी कि 44+XX ये दोनों कंप्लीट हो। तो दो कंडीशन यानी दो टाइप की सेल डेवलप होती है। ओके, तो ऐसी सेल्स को या इंडिविजुअल जिनमें दो टाइप की सेल होती है उनमें कुछ सेल टर्नर सिंड्रोम की होती है और कुछ सेल नॉर्मल होती है। अच्छा, इनमें दो कंडीशन हो सकती है, मतलब दो कंडीशन आगे चल के डेवलप कैसे हो सकती है कि अगर ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, कि जब एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो रहा है तभी एक एक्स लॉस हो जाए, मतलब मोजैक में जो दो टाइप की सेल है उसमें एक टाइप की सेल में 44+X ही रहे ड्यूरिंग डेवलपमेंट, तब वो कंडीशन से क्या होता है, उस कंडीशन से टर्नर सिंड्रोम डेवलप होता है जनरली, ठीक है। लेकिन अगर वो, मतलब देखिए इसमें क्या कह रहा है, दिस कैरियोटाइप मोज़ेक इविडेंटली अराइजेस व्हेन एक्स क्रोमोसोम इज लॉस्ट ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ 46XX जाइगोट, ऑल द डिसेंडेंट ऑफ द सेल इन विच लॉस ऑफ अकर आर 44 टू 45 है। इफ द लॉस अकर इन अर्ली डेवलपमेंट एप्रिशिएबल फ्रैक्शन ऑफ बॉडी सेल विल बी एन्यूप्लॉयड एंड द इंडिविजुअल शो द फीचर ऑफ टर्नर सिंड्रोम। मतलब कि अगर लॉस जो है वो अर्ली इन डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, तो वो टर्नर सिंड्रोम को शो करेंगे। मतलब मोजैक क्यों बन रहा है, क्योंकि टू टाइप की सेल है, कुछ सेल जिनके पास 44X क्रोमोसोम है, कुछ सेल जिनके पास 44XX क्रोमोसोम है। अगर ये 44X वाले क्रोमोसोम अर्ली डेवलपमेंट में डेवलप हो रहे हैं तो ऐसे आगे चल के टर्नर सिंड्रोम डेवलप करेंगे। बट इफ द लॉस अकर लेटर द एन्यूप्लाइड सेल पॉपुलेशन विल बी स्मॉलर एंड द सीवियरिटी ऑफ सिंड्रोम इज लाइकली टू बी रिड्यूस। और अगर ये लेट में डेवलप हो रहे हैं तो सिंड्रोम की जो सीवियरिटी है वो कम हो जाएगी, मतलब सिंड्रोम का दिखना थोड़ा सा या फिनोटाइप इफेक्ट वो कम दिखेगा, रिड्यूस होगा। तो ये होता है मोजैक वाली कंडीशन। देखिए अगर दो कंडीशन दोनों को अलग अलग दिखाया गया है कि मोनोजेनी से कैसे, अब फर्टिलाइजेशन से कैसे टर्नर सिंड्रोम क्रिएट होता है और मोजैक कैसे बनते हैं। तो देखिए फर्टिलाइजेशन का मतलब ये कि देखिए एग में 22 क्रोमोसोम है, ठीक है, और 22 के बाद यहाँ पर कोई एक्स भी होना चाहिए क्योंकि ये एग है, वाई होता तो यहाँ वाई होता, सॉरी अगर स्पर्म होता तो हो सकता था कि यहाँ पर वाई होता चाहिए, लेकिन ये एग की कंडीशन है तो 22, X होना चाहिए नॉर्मल कंडीशन है, क्योंकि नॉन डिसजंक्शन हुआ होगा वो एक्स क्रोमोसोम यहाँ पर नहीं आ पाया। नहीं आ पाया तो जब फर्टिलाइजेशन हुआ नॉर्मल स्पर्म से तो क्या हुआ, 22 और 23 दोनों ऐड हो गए तो 45 और फिर सिर्फ एक्स बचा, ठीक है। तो ये कंडीशन, ये बनी जायगोट की कंडीशन, ठीक है। तो ये टर्नर सिंड्रोम 45 का मतलब कि ये भी, इन्होंने 23 क्यों दिखाया, 22 और एक्स को जोड़ के यहाँ पर 23 दिखाया, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि अब स्टार्टिंग से ही ये दिखाया जा रहा है, क्योंकि अगर हम इसको जोड़ रहे तब तो पूरे 46 हो गए ना, 46 तो नहीं है, 45 का शो का करने का मतलब 44 ऑटोसोम होंगे और एक एक्स को जोड़ के 45 होंगे। ओके, तो जायगोट जब डेवलप हुआ तो वो नॉर्मल नहीं हुआ क्योंकि तो यहाँ से जो एक्स मिलना चाहिए वो नहीं मिला, तो नहीं मिला तो वो कंडीशन क्या हुई, वो टर्नर सिंड्रोम की कंडीशन हुई। दूसरी कंडीशन कैसे डेवलप हो सकती है, मोजैक की कंडीशन, कि
23X और 23X ये फर्टिलाइज हुए, जायगोट बना। लेकिन आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब जायगोट बना तो इसमें दो टाइप की सेल बनी, एक नॉर्मल तरीके से माइटोसिस से डिवाइड हुई, लेकिन दूसरा माइटोसिस से नॉन डिसजंक्शन के कारण दूसरी सेल प्रॉपरली डिवाइड नहीं हो पाई। अब क्या हुआ होगा, माइटोसिस हुई होगी ना, जायगोट के बाद फिर मोरूला बनता है, फिर ब्लास्टुला बनता है, फिर ब्लास्टुला के बाद यानी जो सेल प्रोलिफरेशन हो रहा है, सेल प्रोलिफरेशन में तो सिर्फ माइटोसिस ही हो रही है, सेल डबल हो रही है, ओके, और क्रोमोसोम नंबर तो सेम ही है, तो माइटोसिस के कारण भी नॉन डिसजंक्शन हुआ होगा यहाँ पर। तो कुछ सेल क्या हो गई, उनमें लॉस ऑफ एक्स क्रोमोसोम हो गया। तो ऐसी सेल जिनमें लॉस ऑफ एक्स क्रोमोसोम, एक ये टाइप की सेल बनी जो कि सैंडविच सिंड्रोम को क्रिएट कर सकती है, और दूसरी सेल जो कि नॉर्मल सेल बनी। तो ऐसी सेल जिसके पास दो टाइप की सेल हो, एक के पास टर्नर टाइप की सेल और एक और दूसरा नॉर्मल सेल हो, ऐसे सेल को कहते हैं मोजैक सेल। ठीक है, ये अभी ड्रोसोफिला में जब आप पढ़ोगे तो उसमें गाइनेंड्रो मॉथ जब आप पढ़ते हो तो उसमें देखोगे कि हाफ ऑफ द वो उनके पास ज्यादा क्रोमोसोम होते हैं और हाफ के पास कम क्रोमोसोम होते हैं। तो वो इसी मैकेनिज्म के कारण नहीं, नॉन डिसजंक्शन वो भी माइटोसिस में हुआ होगा। तो माइटोसिस क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद हो रहा है तो माइटोसिस ही हो रही है, फर्टिलाइजेशन से पहले हो रहा होता तो ये मियोसिस हो रही होती है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि अगर मोजैक बनना है आफ्टर फर्टिलाइजेशन तो नॉन डिसजंक्शन किस स्टेज में हो रही है, तो वो माइटोसिस में हो रही है। दूसरी चीज, अब ये जो 45X बन रहे हैं ये अगर अर्ली डेवलपमेंट में बन रहे हैं तो फिर ये टर्नर सिंड्रोम शो करेंगे, और अगर ये लेट में बन रहे हैं आफ्टर काफी टाइम बाद बन रहे हैं तो जो सीवियरिटी ऑफ डिजीज है या फिनोटिपिक इफेक्ट जो दिखना चाहिए टर्नर का वो कम दिखेगा। ओके, तो ये क्लियर हो गया कि टर्नर सिंड्रोम होता कैसे। हमें इसमें टर्नर सिंड्रोम में ये नहीं चाहिए कि इसका फिनोटाइप इफेक्ट कैसा होगा, हमें पता होना चाहिए कि ये क्रिएट कैसे हो रहा है और होता क्या है। ओके, नाउ द ट्राइसोमी कंडीशन। तो ट्राइसोमी यानी 2n+1, और इसमें एक क्रोमोसोम ऐड हो जाएगा यानी कि 46+1 की कंडीशन होगी, यानी 47 क्रोमोसोम अगर किसी कैरियोटाइप में दिखे तो उसका मतलब वो ट्राइसोमी कंडीशन शो करते हैं। ट्राइसोमी के कई सारे ह्यूमन एग्जाम्पल हैं, जैसे ट्राइसोमी 21 जिसको डाउन सिंड्रोम कहते हैं, ट्राइसोमी 18 एडवर्ड सिंड्रोम एंड ट्राइसोमी 13 फटाउन सिंड्रोम, और सेक्स ट्राइसोमी यानी कि सेक्स क्रोमोसोम में अगर एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है तो उसको क्लाइंट फिल्टर सिंड्रोम कहते हैं। तो ये फोर टाइप की ट्राइसोमी ह्यूमन में जनरली दिखते हैं। अब एक एक को थोड़ा सा समझते हैं डिटेल में। जनरली सबसे ज्यादा जो सर्वाइवल केस देखा गया है वो देखा गया है डाउन सिंड्रोम का, बाकी में सर्वाइवल कम, डेथ की केसेस ज्यादा है। तो जो डाउन सिंड्रोम का केस है, अप्रॉक्सीमेटली आउट ऑफ 800 वन जो वो है क्या कहते हैं बर्थ, वो डाउन सिंड्रोम की जो होती है, 800 में कोई एक बच्चा जो है वो डाउन सिंड्रोम को शो कर रहा है, ये पूरा एक रेशियो निकाला गया है ओवरऑल वर्ल्ड का। अब इसमें कई सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं, देखिए जितने भी सिंड्रोम है उनमें जो एक कॉमन करेक्टरिस्टिक होगा कि उनका आईक्यू लेवल बिल्कुल ही जीरो टाइप का होगा, मतलब बेवकूफ होते हैं। डाउन सिंड्रोम वाले तो इनको कहते भी मंगोलिक बेवकूफ कहते हैं, क्योंकि जो मेंटल कंडीशन है यानी कि ब्रेन पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाता है। ठीक है, बाकी चीजों की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है कि जो जीभ है वो हमेशा दिखती रहती है, मतलब मुंह खुला रहता है, सेवी हैंड होता है, फ्री फॉर्म होते हैं, खैर सब का डिटेल में नहीं जाना है, ये सब आप लोग पढ़ सकते। आगे चलते हैं कि ट्राइसोमी क्रिएट कैसे होती है। तो ट्राइसोमी यानी कि जो डाउन सिंड्रोम है ये दो टाइप की होती है, एक होता है प्राइमरी डाउन सिंड्रोम और दूसरा होता है फैमिलियल डाउन सिंड्रोम।
दो तरीके का डाउन सिंड्रोम है, एक फैमिली है और दूसरा प्राइमरी डाउन सिंड्रोम। अब हम पहले की बात करते हैं प्राइमरी डाउन सिंड्रोम। जो प्राइमरी डाउन सिंड्रोम है, इट इज क्रिएटेड बाय नॉन डिसजंक्शन। तो नॉन डिसजंक्शन मैकेनिज्म से 92% जो डाउन सिंड्रोम होता है वो प्राइमरी डाउन सिंड्रोम होता है। ओके, अब देखिए सेम चीज वही जो मैंने बताई थी पिछली अभी नॉन डिस्जंक्शन के बारे में, कि जो नॉन डिस्जंक्शन का इवेंट है जनरली फीमेल में ज्यादा दिखेगा और वो इंक्रीज होगा विद मेटरनल एज। एज के साथ साथ उसकी कंडीशन बढ़ती जाएगी। जो मदर है, इफ दे आर यंगर देन 25 ईयर ओल्ड, द रिस्क ऑफ हैविंग चाइल्ड विद डाउन सिंड्रोम इज 1 in 1500। 1500 में एक कोई बच्चा जो है वो डाउन सिंड्रोम का शो होगा अगर वो 25 साल से कम उम्र की मदर है। और अगर वो 40 साल से ज्यादा की उम्र की मदर है तो वो 100 में एक कोई केस दिखना शुरू हो जाता है। यानी कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे ही ट्राइसोमी या क्रोमोसोमल नंबर वो बढ़ना या घटना शुरू हो जाते हैं, यानी कि प्रॉपर डिजेंशन उनमें इजीली हो जाता है। अब डिजेंशन हो कैसे रहा है, देखिए मियोसिस फर्स्ट में सेम चीज वही है कि होमोलोगस पेयर है, वो एक सिंगल डायरेक्शन में चले जा रहे हैं, गैमेट बने। ठीक है, गैमेट के बाद जब इनका नॉर्मल से फर्टिलाइजेशन हुआ, एक के पास बिना कोई क्रोमोसोम है और एक के पास पेयर ऑफ क्रोमोसोम हो गए, जबकि सिंगल क्रोमोसोम होने चाहिए। तो फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या हुआ, ये दो थे, एक फर्टिलाइज हो गया तो क्या हो गया, ट्राइसोमिक कंडीशन क्रिएट हो गई, यानी कि अब ये 2n+1 हो गए। तो एक कंडीशन तो ये मियोसिस फर्स्ट से हो सकती है। दूसरा माइटोसिस, सॉरी, या मियोसिस टू से कैसे हो सकती है कि वो पहले तो होमोलोगस पेयर आराम से डिवाइड हो गया, उसके बाद क्या होना चाहिए, उनके क्रोमेटिड्स डिवाइड होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्रोमेटिड्स नहीं डिवाइड हुए तो दोनों एक तरफ चले गए। एक तरफ चले गए तो जब सर फर्टिलाइजेशन ये हुआ वाला तो एक बार और बता दीजिए जो, कौन वाला, मियोसिस फर्स्ट। हाँ ये जो एक स्लाइड पहले वाला बता रहे थे। हाँ ये कि पीछे सर, सर एक पीछे यहीं से स्टार्ट। यहाँ से, ठीक हाँ है। सर, तो देखिए ट्राइसोमी मैंने बताया कि ट्राइसोमी यानी 2n+1, यानी कि 46 की जगह 47 क्रोमोसोम होंगे। अब ये जो ट्राइसोमी के कारण जो डाउन सिंड्रोम हो रहा है, ये डाउन सिंड्रोम दो टाइप का होता है, एक प्राइमरी डाउन सिंड्रोम और दूसरा फैमिलियल डाउन सिंड्रोम। फैमिलियल के भी बाद में बात करेंगे, अभी बात करते हैं प्राइमरी डाउन सिंड्रोम। प्राइमरी डाउन सिंड्रोम जो 92% प्राइमरी डाउन सिंड्रोम होता है वो नॉन डिसजंक्शन मैकेनिज्म के कारण हो रहा है। ठीक है, तो नॉन डिसजंक्शन मैकेनिज्म के कारण हो रहा है और इट इज, जो कि मैंने पिछली बार अभी बताया पिछले स्लाइड में, कि फीमेल आर मोर लाइकली प्रोड्यूस नॉन डिसजंक्शन, कि फीमेल जो है जनरली वो नॉन डिसजंक्शन ज्यादा शो करती है और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इंक्रीज होती है विथ मैटरनल एज। क्यों होती है इंक्रीज, वो मैंने आपको पहले भी बताया कि क्योंकि इनका जो एग है वो या जर्म सेल है वो जनरली प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट हो जाती है ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस में। उसके बाद प्यूबर्टी के बाद जब ओव्यूलेशन स्टार्ट होता है, जब फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं और ओव्यूलेशन स्टार्ट होता है, तब जाके वो प्रोफेज फर्स्ट से आगे के स्टेजेस में बढ़ती है। तो जैसे जैसे ओवुलेशन होता जाता है, क्योंकि पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एग रहते हैं उनके पास, ठीक है, उसके बाद फिर वो मीनोपॉज स्टेज, जब एग खत्म हो जाते हैं और मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाता है तो मीनोपॉज शुरू हो जाता है फीमेल के साथ। तो फिर क्या होता है कि जो एग जब एक पर्टिकुलर एज तक तो प्रॉपरली डिवाइड होके मिलते हैं, लेकिन कुछ एज बाद जितना एज बढ़ती जाती है उसके बाद वो प्रॉपरली डिवाइड नहीं हो पाते हैं। स्पिंडल फाइबर पॉलीमराइजेशन या प्रोटीन की भी एक हाफ लाइफ है, उसके बाद वो फिर जो है पूरी तरीके से पॉलीमराइज या डीपॉलीमराइज नहीं हो पा रहे। तो जितना एज बढ़ती जाती है उतना ज्यादा नॉन डिसजंक्शन के चांसेस बढ़ते जाते हैं, क्योंकि पॉज ज्यादा टाइम का हो चुका होता है प्रोफेज फर्स्ट का। तो वही बता रहे थे कि अब अगर फीमेल यंगर देन 25 ईयर की है तो जो रिस्क है वो 1500 में एक का है, कि 1500 में कोई एक बर्थ जो है वो डाउन सिंड्रोम की हो सकती है। और एज अगर मोर देन 40 ईयर का है
तो जो रिस्क है वो 100 में एक भी हो सकती है, यानी कि रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ज्यादा फिर नॉन डिटेंशन स्टेजेस, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड और माइटोसिस। मियोसिस फर्स्ट में वही कि जब वो मेटाफेज स्टेज में आएंगे, होमोलोगस पेयर आ जाएंगे, और उसके बाद एनाफेज में वो क्या होने चाहिए, अपने रिस्पेक्टिव पोल पे होने चाहिए, लेकिन वो रिस्पेक्टिव पोल की तरफ ना डिवाइड होके क्या हो जाते, एक सिंगल तरफ मूव कर जाते हैं। तो उसके कारण एक सिंगल सेल के पास दोनों पेयर चलेगा, मतलब एक दोनों क्रोमोसोम चलेगा, और एक के पास विदाउट क्रोमोसोम कंडीशन आ गई। तो जब गैमेट बने तो इसके पास पेयर ऑफ गैमेट हो गए, और बाकी के पास विदाउट पेयर, जो बाकी जिनके पास क्रोमोसोम ही नहीं गए तो उनके पास कुछ नहीं बचा। तो जब इनका फर्टिलाइजेशन हुआ गैमेट से, तो अब ये दो गैमेट रखे थे, इनका फर्टिलाइजेशन सिंगल गैमेट से हुआ, तो ये ट्राइसोमी कंडीशन शुरू करेगी, और जिनके पास नहीं थे अब वो मोनोसोमी कंडीशन शुरू करेंगे। तो एक तो मियोसिस फर्स्ट की कंडीशन में इस तरीके से ट्राइसोमिक प्रोड्यूस होते हैं। दूसरा मियोसिस सेकेंड में कैसे हो सकता है कि होमोलोगस पेयर तो प्रॉपरली डिवाइड हो गया, लेकिन उसके पास क्रोमेटिस डिवाइड नहीं हो पाए प्रॉपरली। तो क्या हुआ, एक सिंगल के पास दोनों क्रोमेटिस चले गए और एक के पास विदाउट क्रोमेटिस। तो जिसके पास दोनों गए तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो ट्राइसोमी कंडीशन शुरू करेगा, जिसके पास कुछ नहीं गया वो मोनोसोमी कंडीशन शुरू करेगा। तो दूसरा मियोसिस सेकेंडरी कंडीशन में इस तरीके से नॉन डाइजेशन हो सकता है। तीसरा माइटोसिस में क्या होगा, माइटोसिस में वही है कि क्रोमोसोम अब वो मेटाफेज में आए होंगे, अब ये प्रॉपरली डिवाइड होने चाहिए, तो ना होके एक के पास सिंगल गया और एक के पास तीनों चले गए। तो फिर जब ये डिवाइड हुए तो फिर क्या हुआ कि ये ट्राइसोमी कंडीशन शुरू की, ओके, विदाउट फर्टिलाइजेशन, क्योंकि ये माइटोसिस तो सोमेटिक सेल में हो रही है, मियोसिस जो है वो जर्म सेल में होती है, लेकिन माइटोसिस आपकी सोमेटिक सेल में होती है। जैसे मैंने अभी मोजाइक वाला कंडीशन बताया कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन अगर नॉन डिटेंशन हो रहा है तो माइटोसिस से हो रहा है, क्योंकि आप सोमेटिक सेल जो उसमें जो डिवीजन हो रहा है, जो सेल इनलार्ज हो रही है, वो क्यों हो रही है, सेल प्रोलिफरेशन से, और सेल प्रोलिफरेशन क्यों हो रहा है, सेल डिवीजन से, सेल डिवीजन किस तरीके से हो रहा है, माइटोसिस से, यानी कि जो मॉडुला है वो ब्लास्टुला बना होगा, पर ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला बना होगा, गैस्ट्रुला से फिर ऑर्गेनोजेनेसिस शुरू होगी, उसके बाद फिर एक और पूरा जो है इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म तैयार हुआ होगा। तो कैसे तैयार हुआ होगा, ये माइटोसिस से हुआ होगा, सेल एक दूसरे से कम्युनिकेट करके एक दूसरे को बनाती है। दूसरी कंडीशन क्या है, तो फैमिलियल डाउन सिंड्रोम कहलाई जाती है उसको, वो प्रोड्यूस होती है ट्रांसलोकेशन से। फैमिलियल डाउन सिंड्रोम इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये इसकी टेंडेंसी होती है टू रन इन फैमिली, ये फैमिलीज में रन करे, इसलिए इसको फैमिलियल डाउन सिंड्रोम कहते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो ट्रांसलोकेशन है ये जनरली 4%, 92% तो आपने देख लिया कि वो प्राइमरी डाउन सिंड्रोम नॉन डिटेक्शन से हो रहा है, लेकिन जो 4% इंडिविजुअल होते हैं या लोग होते हैं उनमें जो डाउन सिंड्रोम होता है वो ट्रांसलोकेशन मैकेनिज्म से हो रहा है। तो ट्रांसलोकेशन मैकेनिज्म में हो क्या रहा होगा, सेम वही रॉबर्टसन सोनियन ट्रांसलोकेशन हो रहा होगा, यानी कि एक में एडिशन हो जा रहा है और एक में डिलीशन हो जा रहा है, एक क्रोमोसोम बढ़ जा रहा है और एक क्रोमोसोम घट जा रहा है, ठीक है। तो जिसमें बढ़ रहा होगा उसमें ट्राइसोमी कंडीशन हो रही होगी, और जिसमें घट रहा होगा इसमें मोनोसोमी कंडीशन, यानी कि जो एफ्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम है वो दोनों आके ऐड हो जा रहे हैं, तो और वो जाके किसी में बढ़ जा रहे होंगे, मतलब किसी में मूव कर जा रहे उधर, और किसी में लॉस हो जा रहा है, यानी मेटासेंट्रिक वाला जो बना वो उसमें पर पहुंच आपकी गया, आवाज क्यों कट रही है वो बीच बीच में? बन गया। सबके साथ ये दिक्कत है कि तुम्हारे साथ है, बाकी लोग बताए। हाँ, सही आ रही है। हाँ, तो फिर तो नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई। अच्छा, आप समझते हैं कि रॉबर्ट सोनियन ट्रांसलोकेशन हो कैसे रहा होगा। देखिए डायग्राम देखिए, तो डायग्राम में आप यहाँ देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, पेरेंट है हु इज कैरियर फॉर 1421 ट्रांसलोकेशन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिएगा, और अगर नहीं समझ में आएगा तो वापस से पूछिएगा, ठीक है, क्योंकि जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक दिक्कत रहेगी। तो
इस तरीके से डायग्राम देखे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस में वायबिलिटी की चांस है, किस में नॉन वायबिलिटी। तो आप ये समझिए कि ये रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन हुआ कैसे होगा। तो जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि जो 14 क्रोमोसोम होता है और 21 क्रोमोसोम होता है, जनरली ये एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम है, तो इनमें से कोई एक क्रोमोसोम आके क्या हुआ होगा, ऐड हो गया। मतलब कि 14 का कोई एक पेयर और 21 का कोई एक पेयर, मतलब इस पेयर में से कोई एक क्रोमोसोम 21 वाले में से और 14 पेयर वाले में से कोई एक क्रोमोसोम यहाँ आके क्रॉसिंग ओवर हुआ उसके सेंट्रोमियर से और वो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम बना लिए। तो उसके पास क्या रहा कि 21 का लॉन्ग आर्म आ गया और 14 का लॉन्ग आर्म आ गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि एक 14 का लॉन्ग आर्म आफ्टर ट्रांसलोकेशन और एक 21 का लॉन्ग आर्म आफ्टर ट्रांसलोकेशन, ये क्रिएट हुआ। तो इसको कहेंगे ट्रांसलोकेशन कैरियर, जिसके पास 14-21 ट्रांसलोकेशन है। ओके, तो पेरेंट जिसके पास एक 21 क्रोमोसोम भी है, 14 क्रोमोसोम भी है और ट्रांसलोकेशन कैरियर भी है, तो ऐसे पेरेंट सर्वाइव करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इनके पास 21 का लॉन्ग आर्म है और 14 का लॉन्ग आर्म है। जनरली जो शॉर्ट आर्म है, यानी कि जो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम होते हैं, उसमें एक जो शॉर्ट आर्म होती है उसमें कोई इंपॉर्टेंट जीन नहीं होते हैं, तो उनके लॉस से ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, या डिलीटेरियस इफेक्ट नहीं होता या लीथल इफेक्ट नहीं होता। तो अगर उनके लॉन्ग आर्म फिट है तो उनका काम चल सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि 21 का लॉन्ग आर्म है और 14 का लॉन्ग आर्म है, तो कुल मिला के 21 भी पेयर में है और 14 भी पेयर में है। ठीक है, 14 का ये पेयर हो गया, 21 का ये पेयर हो गया, क्योंकि तो इसकी लॉन्ग आर्म ये मौजूद है, उसकी ये लॉन्ग आर्म, तो इसलिए ये सर्वाइव करेगी कंडीशन। यानी कि पेरेंट हु इज ट्रांसलोकेशन कैरियर दे विल सर्वाइव। तो गैमेटोजेनेसिस अगर हुई तो तीन तरीके से गैमेटोजेनेसिस में गैमेट प्रोड्यूस हो सकते हैं। एक कंडीशन ये है कि ये जो 21 है और सॉरी, एक में सिर्फ 14 और 21 पहुंचे। ठीक है, और दूसरा जो गैमेट बने उसमें 21 और 14 बने। ठीक है, एक कंडीशन ये बन सकती है। दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है कि ये दोनों एक तरफ चले जाए और ये एक तरफ चला जाए। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि ये दोनों एक तरफ चले जाए और एक ये तरफ चला जाए। तो यही तीन कंडीशन प्रोड्यूस हो सकती है। आप खुद ही समझ लीजिए कि अगर गैमेट फॉर्मेशन होगा तो एक तो ये साथ में जाए, ठीक है, और दूसरा ये साथ में जाए, जैसे कि ये बी वाले में देता है, या फिर एक ये और ये जाए और दूसरा ये चला जाए। ये कंडीशन, मतलब सर्वाइवल ऑफ गैमेट तो तभी होगा ना, क्योंकि तो इसके पास भी तो 14-21 होंगे, इसके पास भी 14-21 है, इसके पास 14-21 और 21 और 14 है, 14-21 14 है और इसके पास 21। तो ये तीन तरीके के गैमेट, मतलब तीन तरीके से गैमेटोजेनेसिस प्रोड्यूस हो सकती है। अब आपका हेलो।
हेलो देखो समझा देते हैं हम इसको गैमेट बंद करें। देखिए गैमेट जनरली नॉर्मल फंक्शन में क्या बनते हैं, जैसे ये पेयर है ठीक है, तो पेयर में से एक इस आ गया, इस पेयर में से एक ये आ गया, ओके ये कंडीशन है। इफ 21 का पेयर है तो 21 का एक क्रोमेटेड इसमें आ गया होगा, 14 पेयर है तो 14 का एक क्रोमेटेड इसमें आ गया, ये कंडीशन बने। अब क्या होंगे कि 21 ऑफ 14 और एक पेयर, ये तीन क्यों दिख रहे हैं? तीन इससे दिख रहे हैं क्योंकि 21 का एक जो पेयर है और 14 एक जो पेयर है, ये क्या हुआ होगा, फ्यूज हो गया, और फ्यूज होने के बाद उसने क्या बना लिया, ट्रांसलोकेशन कैरियर बना लिया। ओके तो जब ट्रांसलोकेशन कैरियर बना दिया तो अब ना ये पेयर में बचे ना ये पेयर में बचे, अगर ये पेयर में होते तो सबके पास 21 और 14 ही जाता, यानी कि नॉर्मल गैमेट ही जाता, क्योंकि अब बचा इसमें से 21 यूज हो गया और 14 हो गया कैरियर पर, तो गैमेट अब कौन बनता है, यानी कि जैसे बी वाले में एक कंडीशन ये बन सकती है कि ये 14 फिंगर है, कंडीशन होता है 21 फिंगर है, जैसे बी में ये और एक कंडीशन ये होती है दोनों तो सभी तो 21 है कंडीशन तो गैमेट फॉर्म होने के बाद जब अब इसका नॉर्मल गैमेट से फर्टिलाइजेशन हुआ, तो नॉर्मल गैमेट से फर्टिलाइजेशन से क्या हुआ, ये दोनों पेयर तो आएंगे ही आएंगे, यानी कि एक 14 और एक 21 सब में आएंगे, सब में देखिए एक 14 21 गैमेट वाले गैमेट से मैच करता होगा, यानी कि इस 21 14 का ट्रांसलोकेशन कैरियर एज एक 21 आया, इसके पास 14 एक आया और बाकी 14 और 21 ये आए, इसके पास एक ट्रांसपोर्टेशन कैरियर और एक 14 आया और बाकी 14 और 21 यहाँ, इसके पास 21 यहाँ से आया और बाकी 14 और 21 यहाँ से आया, तो आप कंडीशन कौन सी बनी। इधर देखिए जो जायगोट बना ए और बी से, इसमें जो पहला जायगोट आपको दिख रहा है ट्रांसलोकेशन कैरियर वाला और दूसरा आपको नॉर्मल दिख रहा है, नॉर्मल इसके पास 21 और 14 ये 2n की कंडीशन में, और 2n ही होना चाहिए, पेयर ही चाहिए था, 2n कंडीशन में है और नॉर्मल लोकेशन, तो ट्रांसलोकेशन कैरियर मैंने बताया कि ट्रांसलोकेशन कैरियर सरवाइव करता है अगर वो सिंगल क्रोमोसोम के साथ हो, जैसे कि सिंगल क्रोमोसोम का मतलब ये है कि इसके पास 14 की लॉन्ग आर्म भी, इसके पास 21 अभी इनके
की कंडीशन काम है कि ये स्क्वायर लेंगे। इसमें देखिए मतलब जो बर्थ रेट है उसमें ज्यादा है, इसका दूसरी कंडीशन है जिसको डाउन सिंड्रोम कहेंगे। ये कैसे क्रिएट होती है? जब ट्रांसलोकेशन कैरियर एक रहता है और एक 21 होता है, क्योंकि ये 21 ट्राइसोमी है, तो 21 का और दूसरा गैमेट यहाँ से मिला तो 21 डबल हो गए ना। अब डबल कहाँ से हो गए, अब ये ट्रिपल हो गए, दो तो हो ही गए नॉर्मल कंडीशन में, तीसरा यहाँ से जो लॉक है तो ये ट्राइसोमी शो करेगा। क्लियर हुआ? तो ट्राइसोमी किसका हुआ? ये ट्राइसोमी हुआ 21 क्रोमोसोम का ट्राइसोमी, क्योंकि 21 पेयर की जगह क्या होना, क्या होगा, इसके साथ एक और आ गया, तो ये डाउन सिंड्रोम शो। और बाकी 14 वाला का तो नॉर्मल कंडीशन, क्योंकि ये लॉन्ग आर्म इसका यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो ये तो लाइव बर्थ है, मतलब कि जो एक्सपेक्टेड रेट है। सुन रहे हो? सब गायब हो गए। अरे तो बताते रहो कि हम लोग हैं, ऐसा ना हो कि हमें लगता है कि जो है। तो ये क्लियर हुआ कि ये डाउन सिंड्रोम क्यों है? सर एक बार और बता देते हैं। अभी बता दीजिए। यस सर। देखिए गैमेट यहाँ पर 21 एक गैमेट है क्योंकि गैमेटोजेनेसिस से प्रोड्यूस हुआ है, दूसरा इसके पास एक 21 का लॉन्ग आर्म है और 14 का लॉन्ग आर्म है। ओके, अब ये फर्टिलाइज होगा, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बना। तो जब ये फटा तो इसके पास एक गैमेट 21 का यहाँ से मिला, एक गैमेट 21 का यहाँ से मिला, तो ये दो हो गए। फिर एक गैमेट 14 का यहाँ से मिला और दूसरा क्या हुआ, दूसरा गैमेट जो है वो है ट्रांसलोकेशन कैरियर। अब देखिए यहाँ पर दो 21 के ब्लू वाले जितने भी है वो 21 वाले, दो के अलावा इसके पास जो ट्रांसलोकेशन कैरियर है इसके पास लॉन्ग आर्म ऑफ द 21 है। तो लॉन्ग आर्म ऑफ द 21 है जिसके कारण की अब ये मैक्सिमम जीन शो कर रहा है, तो इसलिए ये 21 ट्राइसोमी शो करेगा। ओके, ये 14 ट्राइसोमी नहीं शो कर सकता क्योंकि 14 का तो लॉन्ग आर्म एक यहां से दिख रहा है इसको ट्रांसलोकेशन कैरियर से, और एक ये तो पेयर है और जनरली पेयर में होते ही है, तो ये तो कंडीशन सही है। लेकिन इसके केस में 14 के केस में ट्रिपल हो गए, दो तो ये हो गए और दो और तीसरा यहाँ से मिल गया ट्रांसलोकेशन कैरियर से, इसलिए ये 21 ट्राइसोमी कहलाएगी, 1, 2 और 3, तो इसलिए इसको डाउन सिंड्रोम कहेंगे। और जिसका रेट है वो एक तिहाई है लाइफ पर। अब मोनोसोमी की कंडीशन देखते हैं। मोनोसोमी की कंडीशन क्योंकि यहाँ पर सिंगल क्रोमोसोम मिल रहा है और ये दो हो गए तो ये हो गए 3, तो जो भी मोनोसोमी होंगे वो अबॉर्ट हो जाएंगे। जनरली तो यहाँ पर ट्राई कैरियर है 14 एक यहाँ से मिला और एक 21 मिला। देखिए 3 क्रोमोसोम है वो पेयर है, ठीक है, फिर दूसरा यानी कि जो 21 लॉन्ग आर्म से है, 21 वाला का लॉन्ग आर्म, तो ये दोनों पेयर में, लेकिन यहाँ पर ये जो 14 वाला है ये क्या शो कर रहा है, ट्राइसोमी शो कर रहा है इसके साथ, इस ट्रांसलोकेशन कैरियर के साथ, क्योंकि अब एक ये लॉन्ग ये 14
बता दी शो कर रही है, क्यों नहीं सपोर्ट कर रही है, उसका रीजन ये हो। सबके साथ यही प्रॉब्लम है कि सर ब्रेक हो रही है, जस्ट ब्रेक हो रही है आवाज, वॉइस प्रॉब्लम है। अभी ठीक आ रही है। यस ठीक सर, है, तो हम कह रहे थे कि आपको ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि 21 ट्राइसोमी तो सरवाइव कर रही है लेकिन 14 ट्राइसोमी सरवाइव नहीं कर रही है। ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि डाउन सिंड्रोम या 21 ट्राइसोमी जो है, इसमें जो जीन होंगे 21 क्रोमोसोम के पास, वो हो सकता है बहुत एसेंशियल जीन ना हो जिसके कारण वो सरवाइव कर रहे हो। लेकिन जो 14 क्रोमोसोम के पास कोई एसेंशियल जीन हो जिसके कारण फिनोटिपिक इफेक्ट मैक्सिमम या ऑर्गन क्या कह सकते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस में प्रॉब्लम हो रही हो, कोई पर्टिकुलर ऑर्गन ना बन पा रहा हो, या और भी दिक्कतें हो सकती हैं। कुछ जीन होंगे ऐसे इंपॉर्टेंट जीन जिसके कारण अगर वो ट्राइसोमी कंडीशन 14th वाली हो तो वो अबॉर्ट हो जा रही है। और डाउन सिंड्रोम के केस में क्योंकि 21 के पास हो सकता है कि उस तरीके के जीन ना हो या नॉन एसेंशियल हो या थोड़ी देर तक उतना सीवीआरटी नहीं शो कर रहे हो जिसके कारण उनकी पर जो है वो सर्वाइवल शो कर रही हो और 14 के साथ सर्वाइवल ना शो कर रही हो, ये कंडीशन हो सकती है। कुल मिला के 14 ट्राइसोमी सर्वाइव नहीं करेंगे, 21 ट्राइसोमी सर्वाइव करेगी। तीसरा, मोनोसोमी की कोई भी कंडीशन सर्वाइव नहीं करेगी। ओके, तो ये क्लियर है कि ट्रांसलोकेशन से फैमिलियल डाउन सिंड्रोम प्रोड्यूस होता है जो कि 4% है, बाकी 92% जो प्राइमरी डाउन सिंड्रोम है वो नॉन डिस्जंक्शन से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, फिर ट्राइसोमी 18 है, इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ये भी ट्राइसोमी नॉन डिस्जंक्शन से ही क्रिएट हुई होगी। इसका सर्वाइवल रेट बहुत कम होता है, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक है। ठीक है, उसके अलावा जो बर्थ रेट है वो 8,000 में कोई एक बच्चा जो है वो लाइव मतलब कि सर्वाइव या लिविंग कंडीशन में पैदा होता है, सर्वाइव वो क्या हो जाता है, वो सर्वाइव नहीं कर पाता है, अबॉर्ट हो जाता है। ट्राइसोमी 13 ये भी सेम कंडीशन है, फटाव सिंड्रोम है, इसमें भी सर्वाइवल रेट बहुत कम है, 15,000 में कोई एक बच्चा जो है सर्वाइव करता है, अदरवाइज सभी जो है अबॉर्ट हो जाते हैं। और इस कंडीशन में जो एज 3 तक ट्राई कर सकते हैं, वरना कुछ तो जो है मतलब जी पाते। ओके, तो नाउ द क्लाइन फिल्टर। क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम तो नॉर्मल कंडीशन है, बस उसके सेक्स ऑर्गन में होती है। क्या दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पर जो सेक्स क्रोमोसोम है उसमें एक क्रोमोसोम ऐड हो जाता है, यानी कि एक्स वाई है तो एक्स वाई वन वाई, सर फर्दर वॉइस तो प्रॉब्लम। इस कंडीशन में लार नेटवर्क के कारण क्या कर सकते, किया भी नहीं जा सकता, लॉकडाउन में ब्रॉडबैंड भी नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, धीमे बोलते हैं तो हो सकता है कि धीरे धीरे पहुंच गया हो। ये कह रहे थे कि हो सेक्स सकता है सर, क्रोमोसोमी या क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम के तब तो एक वर्ड भी नहीं आ रही है आपकी वॉइस।
आप ठीक है? यस सर। हाँ सर ठीक है। चलिए ठीक है, ओके। तो इस कंडीशन में 44 होते हैं, थ्री सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, इन विच टू एक्स एंड, तो क्योंकि वाई क्रोमोसोम है तो फिनिसिस टिपिकली जो इंडिविजुअल होगा वो मेल होगा, बट दे कैन शो सम फीमेल सेकेंडरी, उसके पास दो एक्स क्रोमोसोम, तो इसलिए वो यूजुअली स्टेराइल होता है और फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक जो ठीक है। अब इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं, कई फिल्टर सिंड्रोम की कंडीशन देखी देखी गई है, हो सकता है डबल एक्स डबल वाई हो या 3XY हो या 3X2Y हो, ये भी कई टाइप के कैरियोटाइप क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम में देखे गए हैं। और क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम में कई सारी बार बॉडी वो डिपेंड करता है कितने एक्स को उसको इनएक्टिवेट कर होता है, जनरली एक बार बॉडी होता है, लेकिन इनमें क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा भी बार बॉडी फॉर्मेशन हो सकता है एक्सटेंड से। एन्यूप्लॉयडी ठीक है, आज के लिए इतना, कल हम जो है यूप्लॉयडी पढ़ेंगे या पढ़िए तो आगे भी पढ़े, वैसे ज्यादा है नहीं, यूप्लॉयडी की स्टार्ट ही कर लेते। चलिए तो यूप्लॉयडी देखते हैं, सभी एग्री कर रहे ना यूप्लॉयडी शुरू करें? यस सर, बस वॉइस सही रहे। ठीक है, तो धीरे धीरे करते हैं, अगर दिक्कत हो तो एक बार फिर से बता दीजिए, फिर से दिक्कत हो। तो यूप्लॉयडी का मतलब या डिलीट, मतलब सेट ऑफ क्रोमोसोम की यहाँ पर बात करेंगे, ना कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम बात करेंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम का कंडीशन हमने एन्यूप्लॉयडी में देख लिया, बट अगर सेट ऑफ क्रोमोसोम ऐड हो रहे हैं या डिलीट हो रहे हैं तो उस कंडीशन में पॉलीप्लॉयडी कंडीशन डीएनए फोर एन स्क्रीन शो नहीं हो रही है सर। सर स्क्रीन शो नहीं कर रही। अब स्क्रीन शो हो रही है, सर नो सर अभी अभी भी नहीं हो रही? नहीं सर, आ गए अब हो रही है। हाँ हो गई सर, हो गई सर। चलिए ठीक है, तो ठीक है, तो देखते हैं यूप्लॉयडी की कंडीशन। यूप्लॉयडी में कि हो सकता है कि सेट ऑफ क्रोमोसोम डिलीट हो रहे हो या सेट ऑफ क्रोमोसोम ऐड हो रहे हो, ठीक है, तो उस तरीके पॉलीप्लॉयड हो सकती है या मोनोप्लॉयड कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो अगर पॉलीप्लॉयड कंडीशन है तो या जो क्रोमोसोम सेट है वो ऐड होगा, टू क्रोमोसोम
क्रोम है तो ऐड हो रहा है, तो फोर तरीके से 3, 5 एन और सो ऑन। इसी तरीके अगर इंडिविजुअल सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो उसको मोनोप्लॉइड कंडीशन कहेंगे, और एन का मतलब हैप्लॉइड। हैप्लॉइड कंडीशन शो कैसे करते हैं? ये ऐसे शो करते हैं क्योंकि या जो फर्टिलाइज एग से करते हैं तो पार्टनरशिप से अनफर्टिलाइज एग से विदाउट फर्टिलाइजेशन वो इंडिविजुअल जनरली जो मेल है, मेल बी या मेल एंड बन रहे हैं, वो पार्टनरशिप नहीं होता है। तो एन ही रहे, हैप्लॉइड क्या हो गया, नहीं रहे उस कंडीशन को, कंडीशन यानी कि सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम ही बच गया। ओके तो इस तरीके से मोनोप्लॉइड कंडीशन क्रिएट हो। उसके अलावा क्या हो सकता है, इन मोस्ट अदर स्पीसीज जायगोट फेल टू डेवलप। द रीजन इज दैट वर्चुअली ऑल इंडिविजुअल इन डिप्लॉइड स्पीसीज कैरी अ नंबर ऑफ डेलीटेरियस रिसेसिव म्यूटेशन टुगेदर कॉल्ड जेनेटिक लोड। मतलब ये है कि इंसेक्ट को अगर छोड़ दें, बाकी जितनी स्पीसीज हैं अगर उनमें मोनोप्लॉइड कंडीशन डेवलप हो रही है तो उसके कारण क्या हो सकता है, वो डिलीटीरियस इफेक्ट शो कर सकते हैं। क्यों शो कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि जितने वाइल्ड टाइप हो वो डिलीट हो जाए और सिर्फ म्यूटेटेड टाइप ही शो हो, तो जिसके कारण क्या होगा कि जो फंक्शनल प्रोटीन बनी वो ना बने, तो फिर वो स्थिति सर्वाइव, मतलब वो इंडिविजुअल सर्वाइव नहीं करेगा। ठीक है, और क्या चीजें हो सकती हैं? तो ये तो हो गया मोनोप्लॉइड कंडीशन। डेवलप कैसे होती है, पार्थेनोजेनेसिस से किस में डेवलप होती है, जनरली मेल इंसेक्ट्स में, बीज में, वैक्स में और एंट्स में, और ये जनरली स्टेराइल होते हैं, फर्टाइल नहीं होते। अब पॉलीप्लॉइड की कंडीशन समझते हैं। तो जो पॉलीप्लॉइड कंडीशन है इट इज कॉमन इन प्लांट बट रेयर इन एनिमल। जनरली प्लांट में कॉमन होते हैं, जितना पॉलीप्लॉइड कंडीशन डेवलप होगी उतना ज्यादा जो स्ट्रक्चर है वो लार्ज होगा। जनरली प्लांट्स बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं, तो जितना पॉलीप्लॉइड कंडीशन उनमें ज्यादा शो होगी उतना ज्यादा उनका जो स्ट्रक्चर है वो लार्जर होता जाएगा। जैसे इसमें लिखा भी हुआ है कि द टेट्राप्लॉइड ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जाम्पल टिपिकली लुक वेरी सिमिलर टू इट्स डिप्लॉइड काउंटर पार्ट इन इट्स प्रपोर्शन, क्योंकि उनके पास भी डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। एक्सेप्ट दैट द टेट्राप्लॉइड इज बिगर बोथ एज ए होल एंड इट्स कंपोनेंट पार्ट। द हायर द पॉलीप्लॉइडी लेवल, सॉरी प्लॉइडी लेवल, द लार्जर द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यानी जितने क्रोमोसोम ज्यादा होंगे उतना ज्यादा जो है उसका स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि उतने जीन है, उतने जीन है तो उतने प्रोटीन प्रोड्यूस करेंगे, उतने प्रोटीन प्रोड्यूस करेंगे तो उतनी ज्यादा सेल प्रोलिफरेशन शो करेंगे, उतना ज्यादा वो स्ट्रक्चर बनेगा। टाइप्स ऑफ पॉलीप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड दो टाइप के होते हैं जनरली, ऑटो पॉलीप्लॉइड, एलोप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड। सब सुन रहे हैं कि सब गायब हो गए?
सुन रहे हैं सर? हाँ ठीक है, कुछ बचे बचे लोग हैं, बोरिंग है थोड़ा सा, प्लेयर को ज्यादा लोग सुनने चाहिए काफी देर का। मैक्सिमम चीजें एक से पड़ी हुई है, थोड़ा इजी पार्ट है, बस मेन जो चीजें थी वो आपका नॉन डिजंक्शन और ट्रांसपोर्टेशन था। अब ऑटो पॉलीप्लॉइड और एलोप्लॉइड पॉलीप्लॉइड होता क्या है? ऑटो का मतलब जब सेम स्पीसीज के सेट आपस में जोड़ते हैं, मतलब अगर सेम सेट ऑफ इंडिविजुअल वो ऐड होते हैं या फिर तो उस कंडीशन को ऑटो पॉलीप्लॉइड कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कैपिटल ए है एक सेट और दूसरा सेट भी कैपिटल ए हो तो उसको पॉलीप्लॉइड कंडीशन, ऑटो पॉलीप्लॉइड कहते हैं। एलोप्लॉइड पॉलीप्लॉइड का मतलब कि जब ओनली जब कुछ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज आपस में उनके क्रोमोसोम सेट जुड़ते हैं, जैसे कि कोई ए है तो दूसरा बी है, जब डिफरेंट स्पीसीज के सेट आपस में जुड़ रहे हैं तो एलो पॉलीप्लॉइड कंडीशन। जैसे कि कई सारी स्पीसीज बनाई गई है, एक स्पीसीज आपने सुना होगा रफेनो ब्रैसिका, सुना है कि नहीं? सुना है रफेनो ब्रैसिका, रफेनस सटाइवम और ब्रैसिका कंप्रेसिस, दो स्पीसीज है, दोनों को क्रॉस कराया गया और उससे रेडिश और कैबेज, ठीक है, रूट, तो ऐसी दो स्पीसीज जो डिफरेंट स्पीसीज उनको क्रॉस करा के जो पॉलीप्लॉइड होती है क्या कहेंगे, ऑटो पॉलीप्लॉइड। ओके, हाउ अगर ऑटो पॉलीप्लॉइड, कैसे ऑटो पॉलीप्लॉइड कंडीशन डेवलप होती है, तो मियोसिस और माइटोसिस दोनों अलग है। रेप्लिकेशन, हर के पास दो दो क्रोमेटिड आ गए, रेप्लिकेशन डीएनए डुप्लीकेट हुआ तो क्रोमेटिड नंबर डुप्लीकेट हुआ। रेप्लिकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो, रेप्लिकेशन का मतलब क्रोमेटिड डुप्लीकेट है, क्रोमोसोम नंबर कभी चेंज नहीं होते। ओके, तो मतलब आफ्टर रेप्लिकेशन तो नहीं होते कभी भी, तो क्रोमेटिड डुप्लीकेट हो गए, यानी कि अब सिंगल क्रोमेटिड थे तो अब ये दो दो क्रोमेटिड हो गए, और ये जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम है अब ये टेट्राड बना लिए, क्योंकि अब ये चार क्रोमेटिड जो कर रहे हैं। अब सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड होना चाहिए। ओके, मेटाफेज फर्स्ट के बाद, मेटाफेज फर्स्ट में ये मेटामेरिक प्लेट पे आए होंगे, एनाफेज में अब ये सेपरेट होने चाहिए, पर अगर ये सेपरेट ना हो और सारे के सारे एक सिंगल में चले जाए, यानी कि सिंगल सेल में चले जाए, तो अब ये क्या कहलाएंगे, ऑटो टेट्राप्लॉइड कहलाएंगे, क्योंकि अब ये जो कितने हो गए, अभी तक एक दो तीन चार थे, अब चार की जगह कितने हो गए, चार चार आठ हो गए, तो इनके पास फोर एन नंबर में हो गए, जबकि होने क्या चाहिए थे टू एन नंबर में, इसके दो होने चाहिए थे, इसके दो होने चाहिए थे, लेकिन अब इसके भी चार हो गए, इसके भी चार होंगे, तो अब ये ऑटो टेट्राप्लॉइड कंडीशन डेवलप होगी। तो कैसे हो सकती है कि जब कंप्लीट क्रोमोसोम पूरे के पूरे जो है वो डिसजॉइन ना होके एक सिंगल सेल में चले जाए तो ऑटो टेट्राप्लॉइड कंडीशन प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये तो हो सकता है। कंडीशन में क्या होगा, होमोलोगस पेयर हुए, फिर ये होमोलोगस पेयर डिसजॉइन ना हो, मतलब कि वो डिवाइड ना हो, तो डिवाइड ना हुए तो सिंगल सेल में सारे चले गए, सिंगल सेल में सारे चले गए तो फिर अब ये जब मियोसिस सेकंड में आए तो एनाफेज में ये डिवाइड होने चाहिए, तो डिवाइड डिवाइड कैसे हुए, इसके दो और इसके दो, दोनों अलग अलग, तो ये टू एन हो गए, जबकि इनको होना चाहिए था इसमें
इस स्टेज में एन, क्योंकि ये पेड़ तो डिवाइड हुए तो इसकी पेड़ में नहीं होने चाहिए थे, तो जब डिवाइड हुए तो फिर क्या हुए, ये 2n बच्चे, ये भी 2n बच्चे, और जब इनका फर्टिलाइजेशन हुआ नॉर्मल एम से अब फिर डिवाइड हो गए, क्योंकि तीन बचा और इसका भी तीन हो गया, तो इस तरीके से ट्रिप्लॉइड कंडीशन डेवलप होती है। ये क्लियर है कि कोई कंफ्यूजन? एक बार बता दीजिए। मियोसिस बता दें, माइटोसिस, मियोसिस फर्स्ट। हाँ बताइए। मियोसिस फर्स्ट सर। तो देखिए मियोसिस में, मियोसिस फर्स्ट ही तो है, ऊपर तो माइटोसिस है। देखिए मियोसिस फर्स्ट में देखिए डिप्लॉयड इंडिविजुअल है 2n, रेप्लिकेशन हुआ, तो रेप्लिकेशन से अब ये बाइवेलेंट हो गए। अब क्या होना चाहिए, जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम है इनको अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, यानी कि एक रेड ऊपर जाना चाहिए और एक ब्लू नीचे जाना चाहिए, यानी कि एक एक को रेड को ऊपर, एक ब्लू और रेड को नीचे जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये प्रॉपरली डिजाइन नहीं हुए तो ये सारे के सारे सिंगल सेल में चले गए, यानी कि मान लो कि वो ऊपर चले जाएंगे, ठीक है, तो सिंगल सेल के पास सारे आ गए। अब ये जब मियोसिस फर्स्ट के बाद जब मियोसिस सेकेंड हुई तो सेकेंड में क्रोमेटिड्स डिवाइड हुए होंगे, यानी कि अब सारे जो है मेटामेरिक प्लेट पे आए होंगे, और जब डिवाइड हुए तो ये इस रेड के दो स्ट्रक्चर और इस ब्लू के दो स्ट्रक्चर एक सेल में चले गए, इस रेड के दो स्ट्रक्चर और इस ब्लू के दो में चले गए, तो ये 2n और हो गए, जबकि उनको आफ्टर मियोसिस 2 इनको nn हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये प्रॉपरली डिजॉइन नहीं हुए थे तो ये अब 2n 2n हो गए। तो अब 2n 2n का जब n से क्रॉस हुआ तो 2n प्लस n कितना हो गया, 3n हो गया। यहाँ पर भी सेम कंडीशन, 2n प्लस n 3n, तो इस तरीके से 3n का मतलब ट्रिप्लॉयड कंडीशन डेवलप हो गई मियोसिस फर्स्ट से। अब ट्रिप्लॉयड कंडीशन अगर है तो उसके रिजल्ट क्या हो सकते हैं, अगर कोई ट्रिप्लॉयड है, लेकिन मियोसिस फर्स्ट में ये ट्रिप्लॉयड सेल है कोई, ठीक है, ट्रिप्लॉयड मतलब 2n प्लस n की कंडीशन में है कोई सेल, तो अब इसके पास ए बी सी तीन कंडीशन हो सकती है पेयरिंग में। मियोसिस फर्स्ट पेयरिंग किए होंगे, ये पेयरिंग कुछ इस तरीके से किए होंगे कि पेयरिंग ऑफ टू ऑफ थ्री होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी कि टू होमोलोगस क्रोमोसोम रैंडमली से दो पेयर कर लिए, यानी कि रेड और ग्रीन ये दोनों इस तरीके से पेयर कर लिए और अदर जो है जो पेयर नहीं कर पाया वो अलग चला गया, एक कंडीशन ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ऑल थ्री क्रोमोसोम पेयर एंड सेग्रीगेट रैंडमली, तीनों पेयर किए हो किसी किसी पर्टिकुलर जीन के पास से या सेगमेंट के पास से और तभी रैंडमली सेग्रीगेट कर लिए। मान लीजिए कि ब्लू और ग्रीन एग्रीगेट कर लिया अलग लिया। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि तीनों जो है वो पेयर ना कर पाए, तीनों पेयर नहीं कर पाए, तीनों एक एक ही साथ मूव कर गए, तो ये तीन कंडीशन बन सकती है। अब तीनों कंडीशन बनने के बाद अब इनका फर्स्ट मियोटिक डिवीजन यानी कि एनाफेज में अब ये डिवीजन हुआ, और डिवीजन के बाद फिर जब मियोसिस पहुंचे तो कुछ इस तरीके से पहुंचे होंगे कि एक सेल के पास ग्रीन और रेड रह गया, मतलब ये यहाँ से डिवाइड हुए होंगे ना, जब होमोलोगस पेयरिंग होगी तो होमोलोगस पेयरिंग के बाद जब एनाफेज में डिवाइड हो गए तो ब्लू एक तरफ चला गया और रेड ग्रीन एक तरफ में, सेम यहाँ पर रेड एक तरफ चला गया होगा, ब्लू ग्रीन एक तरफ, सेम यहाँ पर तीनों एक तरफ चले गए, उनसे एक सेम रेड ग्रीन एक मिला और एक के पास ब्लू मिला, यहाँ पर एक के पास रेड और एक के पास ब्लू ग्रीन मिला, मतलब एक के पास तीनों मिला और एक के पास कुछ नहीं मिला।
अब ये इनर फेस टू में डिवाइड हुए होंगे, तो फिर कैसे डिवाइड हुए होंगे? जो रेड ग्रीन वाले हैं वो रेड ग्रीन के साथ क्रोमेटिड्स डिवाइड हुए होंगे, ब्लू के साथ सिर्फ ब्लू ही मिला होगा, रेड के साथ सिर्फ रेड मिला, ब्लू ग्रीन के साथ ब्लू ग्रीन दोनों मिले, और ब्लू ग्रीन रेड के साथ तीनों मिले और एक के साथ कुछ नहीं मिले, तो ये गैमेट बनने की। अब ये जो गैमेट बने, जनरली इनको बनना क्या चाहिए था? इनको बनना चाहिए था कि तीनों के एक एक सम में आने चाहिए। जो नॉर्मल कंडीशन है कि अगर तीन है ट्रिप्लॉयड है तो तीन आपको एक कंडीशन में, देखिए आपको किसी भी कंडीशन में इस तरीके से नहीं मिलेगा कि वो एन नंबर ऑफ गैमेट हो। जैसे आपको दिखे पर ये जो ग्रीन और रेड है, यहाँ ग्रीन रेड में टू इनवर्टिंग गैमेट है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम एंड सम हैव नन, इसके पास ब्लू वाला क्रोमोसोम नहीं है इस सेल के पास। यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर ब्लू क्रोमोसोम तो है लेकिन बाकी रेड और ग्रीन नहीं है, इसके पास रेड तो है लेकिन ब्लू ग्रीन नहीं है, इसके पास ब्लू और ग्रीन तो है लेकिन रेड नहीं है। जनरली क्या होने चाहिए, ये आफ्टर दिस ये एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम होने चाहिए, ये 2n रह जा रहे हैं, या और 2n है तो फिर ये जो है दो एक पर्टिकुलर है, 3n है तो तीनों के सारे हैं कॉपी, और नहीं है तो नहीं है, जीरो है। तो इसलिए आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये क्या ये रेड वाला किसी के साथ एक डुप्लीकेट हो जाएगा, ग्रीन ब्लू वाला ब्लू के साथ डुप्लीकेट हो जाएगा, ब्लू ग्रीन वाला उसके साथ, तो इस तरीके से। या हो सकता है कि इसके पास सिंगल कॉपी ही रह जाए, ब्लू की कॉपी तो दो हो जाएगी लेकिन रेड ग्रीन की कॉपी ना रह जाए, रेड की कॉपी तो रह जाएगी लेकिन ब्लू ग्रीन की ना रह जाए, ब्लू ग्रीन की रह जाएगी लेकिन रेड की ना रह जाए, तो एक सिंगल कंडीशन में ही ये सर्वाइव कर सकते हैं वो इस कंडीशन में, बाकी कंडीशन में किसी में भी जनरली सर्वाइव नहीं करता। जो जनरली ऑटो ट्रिप्लॉयड जितने भी होते हैं वो नॉन वायबल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है, क्योंकि किसी में एक्स्ट्रा कॉपी पहुंचेगी और किसी में कोई भी कॉपी नहीं पहुंचती, इसलिए। अब एलोप्लॉयड की कंडीशन, एलोप्लॉयडी की कंडीशन, तो एलोप्लॉयडी कंडीशन में दो डिफरेंट स्पीसीज है। देखिए एक स्पीसीज जिसके पास ए बी सी है, और दूसरी स्पीसीज जिसके पास जो क्रोमोसोम है वो जी एच आई है, दोनों तो गैमेट बने और आफ्टर फ्यूजन इन्होंने बनाया ए बी सी जी एच आई, ये प्रोड्यूस हुए, ठीक है। और प्रोड्यूस होने के बाद जब माइटोटिक डिवीजन हुआ तो इन्होंने प्रोड्यूस किया एलो टेट्राप्लॉयड, मतलब कि क्या हुआ होगा, फिर इन्होंने यहाँ पर ये नॉन डिसजंक्शन से डिवाइड नहीं हो पाए प्रॉपरली, तो जब डिवाइड नहीं हो पाए तो सबके क्या हुआ, रेप्लिकेशन हुआ होगा, रेप्लिकेशन के बाद वो बाइवेलेंट बन गए होंगे, बाइवेलेंट होने के बाद फिर वो एक ही तरफ चले गए तो सबके डबल डबल बन गए, यानी कि अब वो ए ए बी बी सी सी जी जी एच एच और आई आई, यानी कि अब ये जो 2n थे अब ये 4n हो गए। तो एक तो कंडीशन एलो टेट्राप्लॉइड इस तरीके से डेवलप हो सकती है माइटोटिक डिवीजन से, एक बार फिर से समझ लीजिए कैसे डेवलप हुई होगी। तो स्पीसीज है स्पीसीज ए बी सी जिसके पास क्रोमोसोम, और दूसरी स्पीसीज जिसके पास जी एच आई क्रोमोसोम, गैमेट फॉर्मेशन हुआ तो इसके पास ए बी सी गैमेट बना, इसके पास जी एच आई गैमेट बना, फ्यूज में फ्यूजन के पास क्या बने होंगे, ए बी सी और जी एच आई, तो 2n इक्वल टू 6, 6 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब ये जो क्रोमोसोम है जायगोट बनाए, जायगोट के बाद अब इनमें माइटोटिक डिवीजन होगा, तो माइटोटिक डिवीजन में क्या होना चाहिए था कि माइटोटिक डिवीजन से सेल पहले रेप्लिकेट की होगी,
डिवीजन से पहले, यानी कि एस फेज में आई। एस फेज में क्या हुआ कि ये जो क्रोमोसोम ए था इसमें एक क्रोमेटिड जुड़ गया, यानी कि अब ये बायवेलेंट कितने भी थे ए बी सी डी एच आई सब में सिंगल दो दो क्रोमेटिड हो गए, और इन दोनों क्रोमेटिड को फिर मेटा फेज के बाद एना फेज में डिवाइड हो जाना चाहिए था प्रॉपरली, लेकिन वो डिवाइड नहीं हो पाया ड्यू टू नॉन डिजेंशन, और सारे के सारे एक ही तरफ चले गए। तो जब एक ही तरफ चले गए तो फिर क्या हुआ कि सभी एक ही सेल के पास चले गए, तो जब एक ही सेल के पास चले गए तो सबके डबल बन गए, यानी कि ए का भी डबल, बी का भी, सी का भी, डी का भी, एच का भी और आई का भी, तो सबके सबके डबल हो गया। तो 2n की जगह अब क्या हो गया, ये 4n हो गया, क्योंकि सबके क्या हो गए कि अब ये 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम हो गए। तो इस तरीके से ऑटो टेट्राप्लॉइड डेवलप होता है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकती है कि जब ये F1 जनरेशन में पहुंचे, F1 जनरेशन के बाद ये F1 जनरेशन वाले इंडिविजुअल में गैमेटोजेनेसिस हुई होगी, और गैमेटोजेनेसिस प्रॉपरली ना हुई मान लीजिए, तो अगर प्रॉपरली ना हुई तो क्या हुआ, जनरली इनको जाना चाहिए था एबीसी को अलग और जीएचआई को अलग, इस तरीके से जाना चाहिए था, या फिर ये जीएचआई एबीसी करके जाते, या फिर तीन ऊपर जाते तीन नीचे जाते, कोई भी रैंडमली, लेकिन अगर नॉन डिसजंक्शन के कारण क्या हुआ कि चार एक तरफ चले गए और दो एक तरफ चले गए, तो पेयरिंग बदल गई, जबकि तीन तीन जाने चाहिए थे। तो इससे क्या हुआ, ये जो चार थे अब ये जो अलग गए, अब ये वापस से जब फर्टिलाइज हुए होंगे तो चार से डबल हो गए, तो इस तरीके से ये नॉन वायबल गैमेट प्रोड्यूस करेंगे, तो ये भी ऑटो ट्रॉप्लॉइड कंडीशन आगे चल के प्रोड्यूस करेंगे। तो इस तरीके से ये कंडीशन प्रोड्यूस हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि एलो टेट्राप्लॉइड और ऑटो टेट्राप्लॉइड मियोसिस और माइटोसिस दोनों में प्रोड्यूस होती है, बस एलो के केस में क्या होगा कि वो डिफरेंट स्पीसीज होगी और ऑटो के केस में वो सेम स्पीसीज होगी। तो आज का लेक्चर आपका यहीं पर खत्म होता है। थैंक यू सो मच।